consolidated financial statement, CFS. AS 21, 23, 27. Now friends, सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा कनेक्टिविटी. इस चैप्टर के बारे में क्या हमको कुछ पता है पहले से? क्या इसका हम कुछ एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में दे सकते हैं? क्या हमने इसको कुछ कभी इसके जैसा प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम किया हुआ है, जैसा कि आप लोग सीए आर्टिकलशिप में कुछ कभी सीखा हुआ है? सो एनी आइडिया फ्रेंड्स? मैं ही बोलता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, राइट फ्रेंड्स? कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम ही बता रहा है, कंसोलिडेट करना है. आप लोग सर किसको कंसोलिडेट करना है? तो ये अमालगमेशन है क्या? नहीं, अमालगमेशन नहीं है. अमालगमेशन मतलब होता है हमारा ही खुद का, लेकिन ये कैसा है, ये पूरा हमारा नहीं है. हो सकता है पूरा भी हमारा हो, लेकिन फिर भी हमने मैनेजमेंट किसी और को दे के रखा हुआ है. वो बंदा सेपरेट काम कर रहा है, अपन सेपरेट काम कर रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगर तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, जो हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं. तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग पीएनएल अकाउंट, वो सब आइटम जो हम अपने बना रहे हैं, वो तो बनाओ ही भाई. क्यों? क्योंकि वो तो बनाने आपको. एक्स्ट्रा क्या बनाना है? बोले एक्स्ट्रा में आप ये बताइए कि आपका ओवरऑल कंट्रोल कितना है. बोले मतलब ये कि क्या आप अकेले हो या आप किसी और को भी कंट्रोल कर रहे हो. जैसे एग्जांपल के लिए एप्पल, एप्पल वाले ने अभी बॉस के 65% शेयर ले लिए, तो एप्पल वाला जैसा बोलेगा वैसा बॉस को करना पड़ेगा. बोलने का मतलब कि एप्पल अभी अकेला नहीं है, उसके साथ में जिस कंपनियों के शेयर उसने ले लिए वो भी उसके कंट्रोल में आ गए. हालांकि वो कंपनियां बंद नहीं हुई है, क्योंकि वो कंपनियां बंद हो जाएंगी और उसके साथ मर्ज हो जाएंगी तो वो केस बन जाएगा अमालगमेशन. AS 14 अप्लाई हो जाएगा उसके लिए. लेकिन अगर वो कंपनियां सेपरेट चल रही हैं, उसका होल्डिंग राइट इसने ले लिया है, देन गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये बताओ हमको, वो कंपनी तो चली रही है सेपरेट, आप ये बताइए कि आपके पास कितनी सारी कंपनियों का कंट्रोल है, उन सबका इकट्ठा कंसोलिडेट करके एक अकाउंट बना के हमारे लिए बताइए. तो क्या होगा, हमको ये पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में इतना बड़ा एम्पायर है. सो दे कैन अकॉर्डिंगली प्लान, जो उनकी इच्छा होगी वो कर सकते हैं. इन शॉर्ट फ्रेंड्स, हमको दोनों बैलेंस शीट को इकट्ठा लाना है. दो मतलब जरूरी नहीं है दो हो सकता है चार हो सकता है पांच हो, जितने भी हमारी बैलेंस शीट है सबको इकट्ठा लेके आना है. दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन. वर्ड जैसा नाम ही है, कंसोलिडेट करना है. और किसको करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है हमारी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट. सो उन सबको इकट्ठा करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करना है, कैसे अपन को पता चलेगा हमारा कंट्रोल हो चुका है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं कि हम कैसे भी तरीके से कंट्रोल ला सकते हैं किसी कंपनी के ऊपर. लेकिन फॉर प्रैक्टिकल सम पर्पज, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो हमारे पास तरीका है कंट्रोल लाने का, वो है शेयर लेना, उसके कंट्रोल राइट लेना उसका. कैसे कंट्रोल राइट लेंगे? तो उसके लिए अगर हम 50% से ज्यादा, हाँ रिमेंबर फ्रेंड्स, कितना? 50% से ज्यादा. कई लोग बोलते हैं 51%. 50% से ज्यादा शेयर हमने ले लिए, चाहे वो 50.001 भी है, देन हमारा कंट्रोल आ गया. आप बोलोगे सर 50% या उससे ज्यादा ले लिया, 50% ज्यादा ले लिया तो कंट्रोल आ गया, तो करना क्या है? तो करना यह है कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी. यानी हमने जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई ऐसा करो, वैसा उसको करना पड़ेगा. क्योंकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं आप सबको पता है फ्रेंड्स, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर. और इक्विटी शेयर होल्डर में अगर हमने हमारी होल्डिंग ले ली, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अभी उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं. हम जैसा बोलेंगे, हमारे पास मेजोरिटी है, वैसा उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो ऐसी कंपनियों का जिनका हमने 50% से ज्यादा होल्डिंग ले लिया है, उनका एक कंसोलिडेट बना के मिक्स करके हमको एक तैयार करना है. दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब आप बोलोगे क्या सर ये हर साल करना है? तो आंसर इज यस. जैसे आप देखोगे फ्रेंड्स, हमारे पास जो हमारी खुद की फर्म है गुप्ता राजन कंपनी, तो उसके अंदर जो अमालगमेशन के केस हैं वो एक आधी आता है साल में.
लेकिन कंसोलिडेशन हमारे पास 5-6 कंपनी ऐसी हमको हमेशा कंसोलिडेट करके देना पड़ता है। तो कैसा है ये चीज ऐसी है कि हमको हर साल करनी है, इसलिए इसमें एरिया ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए हमारे सीए एग्जाम ने भी इसको बहुत फेमस बना रखा है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। क्यों? उनको पता है कि ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा करना है, तो क्यों ना इसमें पूछा जाए। प्लस उसको एरिया इतना ज्यादा मिल गया है कि इसमें बहुत सारी चीजें वो घुमा सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये हमको हर साल प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, इसलिए एग्जाम में भी हर साल आता है, हर 6 महीने में आता है, बराबर। और ये करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, इसके लिए उनको बहुत अच्छा एरिया मिल गया है। ओके फ्रेंड्स, अब काफी सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि सर 50% से ज्यादा है वो समझ में आ गया, लेकिन आप हमको पूरा एरिया बताइए कि अगर इतना परसेंट है तो हम कौन है, इतना परसेंट है तो हम कौन है, तो क्या होगा? क्लैरिटी रहेगी ना, क्योंकि हम तो सीए हैं, हमसे तो कुछ भी काम आ सकता है। कोई ऐसा हमारे पास क्लाइंट भी आ सकता है जिसके पास हो सकता है 25% होल्डिंग हो, तो क्या उसको हम क्या बोलेंगे? कोई ऐसा भी क्लाइंट आ सकता है जिसके पास हो सकता है 50% होल्डिंग हो एग्जैक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे? तो यू शुड नो। तो हम एक सारी सिचुएशन पता लगाते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी परसेंट होल्डिंग है तो हम कौन माने जाएंगे। जैसे सबसे पहला सपोज हमारे पास होल्डिंग जो है वो लेस देन 25% है, तो ले हम कोई नहीं है, सादा इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टर के लिए कौन सा AS एप्लीकेबल होता है? AS 13 अप्लाई होता है, बरोबर। फिर अगर हमारे पास सपोज होल्डिंग 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, वेरी गुड, तो हम लोग एसोसिएट हैं, AS 23 एप्लीकेबल होगा। अगर हमारे पास होल्डिंग 50% से ज्यादा है और 100% तक है, लेस देन भी नहीं, इक्वल टू 100%, तो हम कौन माने जाएंगे? हम लोग कंट्रोलर हैं। आप बोलोगे सर 100% है तो भी, बोले हाँ तो भी कंट्रोलर है, क्योंकि हमने अभी तक उस कंपनी को खत्म नहीं किया है। अगर उस कंपनी को खत्म कर दिया तो अमालगमेशन हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर फोर्थ पॉइंट, 100% होल्डिंग है बट इट मर्ज विथ परचेजिंग कंपनी, तो हम क्या बन जाएंगे? अमालगमेशन बन जाएंगे, जो यहां पे कवर नहीं होगा, लेकिन कनेक्टिविटी, हाँ ये सब हमारा कनेक्टिविटी वाला पार्ट चल रहा है, आपको समझ आएगा कि ये चीज अमालगमेशन में काम आने वाली है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं करने ही है ना, 100 मार्क्स का ही है, बरोबर। सो 100% होल्डिंग बट इट मर्ज विथ परचेजिंग कंपनी, इट मींस इट बिकम AS 14, दैट इज अमालगमेशन। नाउ फिफ्थ, कि अगर टू और मोर टूगेदर होल्ड मोर देन 50%, टू होल्ड नहीं मोर देन 50%, बराबर ना, तो फिर हम लोग कौन बन जाएंगे? वेरी गुड, AS 27 बन, जिसको क्या बोलेंगे? जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। ठीक है, तो सारी सिचुएशन आ गई। सबसे पहले कौन सा था? होल्डिंग लेस देन 25, तो क्या माने जाएंगे हम लोग? इन्वेस्टर माने जाएंगे। दूसरा 25 से 50 के बीच में है तो वी आर कंसीडर एसोसिएट कंपनी, AS 23 एप्लीकेबल हो पाएगा। अगर 50% से 100% के बीच में है तो 50% से ज्यादा लेकिन 100% या उसके बराबर, देन वी आर कंसीडर AS 21 कंसोलिडेट माने जाएंगे। और अगर 100% होल्डिंग लेके कंपनी को मर्ज कर दिया, वी आर कंसीडर अमालगमेशन, AS 14 हो गया है, मर्जर एक्विजिशन हो गया है, राइट। एंड फिफ्थ, अगर हमारे पास दो लोगों के पास मिलके 50% या उससे ज्यादा हो जाता है तो हम लोग जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी माने जाएंगे, AS 27 अप्लाई होगा। ओके एंड फ्रेंड्स, आपको राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सब चीज मैंने आपको नोट्स में वर्ड टू वर्ड लिख के दिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये चीज जब तक हम एग्जाम के लिए अभी लिख के नहीं रख लेंगे, रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। वो हमारे प्लानिंग के थर्ड पार्ट में आने वाला है नोट्स, वो नोट्स में रीड भी करवाने वाला हूँ आपको। ये मैंने जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो वर्ड्स लिखे हुए हैं कि नहीं,
आपसे रीड कराएंगे। ओके सो सबसे पहला कनेक्टिविटी हमने सीखा कि ये कंसोलिडेशन जैसा नाम ही बता रहा है, मिक्स करना है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कौन बनाएगा इसको, कौन कंट्रोल करेगा, या कौन किसकी बुक्स में बनाई जाएंगी, होल्डिंग कंपनी की बुक में। रीजन कि वो कंट्रोलर है, बराबर। नाउ होल्डिंग कंपनी कौन होती है, तो ए जो सब परचेज करके बैठी है वो होल्डिंग कंपनी होती है। इसको हम हमारे आगे के लिए शॉर्ट में एच लिमिटेड बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज समथिंग आपको फ्यूचर में पता रहेगा कि एच लिमिटेड आगे मतलब होल्डिंग कंपनी है। जिसके शेयर खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी कंपनी, उसको शॉर्ट में एस लिमिटेड बोला जाएगा। ए अगर एसोसिएट कंपनी का केस हो गया है तो इसको शॉर्ट में आप ए बोल सकते हो, अगर जॉइंटली कंपनी का हो गया है केस तो इसको शॉर्ट में आप जे लिमिटेड बोल सकते हो। ओके सो किसकी बुक में बनाना है कंसोलिडेशन, इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो मालिक है सबका। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर उसको अपना खुद का बुक्स नहीं बनाना है, नहीं उसको खुद का बुक्स बनाना है, वो एजेटेज बनेंगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंटली कंट्रोल कंपनी, सारी कंपनियां अपना अकाउंट एजेटेज बनाएंगी, वो कुछ चेंज नहीं करेंगी। ये तो एक्स्ट्रा लोड दिया गया है होल्डिंग कंपनी को, क्या बोल के कि भाई आपको एक्स्ट्रा करके देना है, आपको बताना है कि क्या ओवरऑल कंट्रोल है तुम्हारे हाथ में, और ऐसा हर साल करना है। ओके सो जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो एक्स्ट्रा है कि ओनली वो ही बनाना है, एक्स्ट्रा है। सब कंपनियां अपने अपने बैलेंस शीट, अपने अपने अकाउंट एज इट इज बनाएंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, हम चाहते तो इस पीरियड में हमारा एग्जाम हो सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो कॉमन है हर एक चीज में आपको पता चल जाए स्टार्टिंग में, बाद में ना सोचना पड़े यार ये किसकी बुक में बनाना है, कहां बना रहे हैं, एच के क्यों नहीं बनाया, एच के क्यों नहीं बनाया, एच के क्यों बना रहे हैं, तो ये सब चीजें तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया कनेक्टिविटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। नाउ नाउ वो 80% पार्ट, क्या ऐसी चीज है जो हर एक सम में रिपीट होने वाली है, जिसके लिए आप सब लोग स्टार्टिंग से इंतजार कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये जानने के बाद हमको ये समझना है कि अभी कंसोलिडेट करेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं हेडिंग बनाता हूं नॉर्मली, ये मिटा दूं, मैं नॉर्मली हेडिंग बनाता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो कैसे कंसोलिडेट करना है, तो फ्रेंड्स सिंपल तरीका है, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट तो है एज इट इज रहेगी, उसके साथ एस को और ऐड कर लेना है, और ए और जे का हम सेपरेट बात करेंगे, ठीक है। तो एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड, इन दोनों को हमको इकट्ठा करते जाना है, और वो जो बैलेंस शीट बनकर रेडी होगी दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब फ्रेंड्स, इस सब को बनाने में करीबन 15 टाइप के सम बनकर रेडी हो गए। आप बोलो सर 15 टाइप कहां से आ गए अचानक से, तो फ्रेंड्स ये कंसोलिडेटेड बनाने के लिए हमको जो सबसे बड़ा फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, वो एक ही चीज पे लगाना है। याद रखना फ्रेंड्स, हर एक चैप्टर में एक की पॉइंट होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है सबसे मेन पार्ट है, वैसे ही हर एक चैप्टर के अंदर एक हार्ट बना हुआ है। मैं आपको हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर एक इंडेक्स के अंदर वो हार्ट बताऊंगा, और हर एक चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या है जिस पे हमको फोकस करना है, और इंस्टीट्यूट उसी पॉइंट पे आपको घुमाएगी, खाली उसी पॉइंट पे। यानी जितने टाइप के प्रॉब्लम, जो मैंने बोला 80% सेम है, तो आप बोलोगे वो 20% अलग क्या है, वो 20% अलग ए है, जो हर एक चैप्टर के अंदर एक हार्ट है, यहां पर है फ्रेंड्स वो हार्ट, दैट इज बी कॉल्ड प्री एंड पोस्ट नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। आई रिपीट, यहां पर हार्ट क्या है, प्री नेटवर्थ एंड पोस्ट नेटवर्थ।
जिसका मीनिंग एक लाइन में एकदम क्लियर है कि टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर प्री, क्या है मतलब टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर प्री एंड पोस्ट का मतलब है आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट ऑफ एक्विजिशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके लिए आपको कोई एजम्पशन नहीं करनी है। रूल क्या है प्री का, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट का रूल क्या है आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। आप बोलोगे सर ये क्या है, बोले ये है कि हमको ढूंढना है कि टिल डेट ऑफ एक्विजिशन क्या नेटवर्थ था। आप बोलोगे सर ये नेटवर्थ क्या होता है, पता है नहीं पता, ये है वो कनेक्टिविटी जो मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है। बोले सर ये क्या है सर, ये तो सिंपल चीज है सर, सबको पता होता है, लेकिन अभी आपके सामने सम करेंगे और आप में से एक दो होंगे जो बताएंगे सर ये भी आता है नेटवर्थ में। नेटवर्थ के पांच निकनेम बता सकते हो, फाइव निकनेम, फर्स्ट कैपिटल फंड, वेरी गुड, नेट इन्वेस्टमेंट तो कोई बढ़ नहीं होता है, नेट असेट्स, वेरी गुड, शेयर होल्डर फंड, एक्सीलेंट, यस यस, शेयर होल्डर फंड हो गया ना अभी, उसमें क्या बार बार उसको अलग अलग, उसको थोड़ा घुमा घुमा के बोलते रहेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड, अवश्यम, और नेटवर्थ तो है ही हमारे पास, बराबर ना, ये सब एक ही नाम है। एक बार रिपीट करोगे पांचों नाम, सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नेट असेट्स, थर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, फोर ऑनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से जो अपना प्रोपराइटर है उनका कंट्रीब्यूशन, एंड लास्ट नेटवर्थ इटसेल्फ। बराबर, ये निकालने का तरीके पता है सबको, दो तरीके हो सकते हैं, एक वेरी गुड असेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो हम अमालगमेशन में यूज करेंगे वहां पे उस पर फोकस किया जाता है, बट बात तो एक ही है, और दूसरा होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, जो कि आजकल रिजर्व सरप्लस के साथ ही आने लगे, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, बराबर है कि नहीं, तो इसी आपको पता है ना, तो इसके लिए हमको दिमाग नहीं लगाना है, राइट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई प्री एक्विजिशन नेटवर्थ एंड पोस्ट एक्विजिशन नेटवर्थ इन एंटायर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटायर, यानी कि जो 20% अलग आएगा, 80% तो सेम बोला हुआ है ना, जो 20% अलग आएगा उसमें इसी में वो घुमा सकते, इससे ज्यादा अलग नहीं आएगा, यानी कि 20% अलग में प्री पोस्ट में कुछ ऐसा वो गड़बड़ करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो खाली एक ही लाइन को याद रखना है, प्री का मतलब क्या होता है टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट का मतलब क्या होता है आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। जब भी आपको लगे कंफ्यूजन हो गया यार शिट क्या करने का है, आंखें बंद करने का, अच्छा प्री का मतलब क्या है टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट का मतलब क्या है आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। आप बोलोगे सर ये प्री पोस्ट निकाल क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ पता तो हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स इसका रीजन है कि प्री जो है वो कैसा है, जैसे कि हम लोग अमालगमेशन में सपोज आपने किया हो तो हम लोग पीसी में से नेट असेट्स माइनस करते हैं तो क्या मिलता है गुडविल या कैपिटल जब मिलता है ना, हम लोग जब घर परचेज करते हैं तो घर परचेज करते टाइम पे घर में अगर अपन कुछ रेनोवेशन भी, रेनोवेशन तो बाद में करवाते हैं, घर में अगर अपन कुछ पेंट भी करवाएं या घर में अपन कुछ भी काम करवाएं सबको कैपिटलाइज करते हैं कि नहीं, ब्रोकर ही देंगे उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन उसके बाद में उसमें कुछ भी अपन ऐसा ऐसा कुछ पेंटिंग वेंटिंग करवाया कुछ कैपिटलाइज करते हैं नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि टिल डेट ऑफ एक्विजिशन हमको यह पता चलेगा कि हमने जो पैसा दिया उसके बदले मिला क्या, अगर हमने ज्यादा पैसा दिया मतलब वो गुडविल का दिया, अगर कम पैसा देना पड़ा मतलब वो प्रॉफिट हो गया, लेकिन कैपिटल नेचर का है रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने किया क्या, उसको तो हमने खरीदा है आज,
उसके बाद आगे आएगा डिसीजन कि हमको आगे क्या करने का है। लेकिन टिल डेट ऑफ एक्विजिशन हमने जो परचेज किया वो सब कैसा है? कैपिटल नेचर का है। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, हमको प्री इसलिए पता लगाना है क्योंकि ये कैसा है? ये पूरा कैपिटल नेचर है। और कैपिटल नेचर से हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, ना कि रेगुलर प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन इसके बाद कंपनी जो भी कमाएगी, जैसे एग्जांपल के लिए भी एप्पल वाले ने बॉस को ले लिया, तो उसने 65% या जितना भी परसेंट होल्डिंग लिया, उस टाइम पे बॉस का नेटवर्थ कितना था उसके लिए उसने पैसा दिया है। आई रिपीट, एप्पल वाले ने अगर बॉस के 65% शेयर ले लिए तो उसको ये देखना है कि 65% शेयर मैंने सपोज $10 मिलियन का लिया, तो या 10,000 का लिया, ऐसा मानो 10,000 का लिया, तो उसके बदले हमको उस दिन नेटवर्थ कितना था उसका, उसका 65% हमारा है, तो देखने का है, उसके साथ कंपेयर करने का है। तो पता चला कि सपोज उसका पूरा मिलके नेटवर्थ है 20,000 करोड़ का, तो 20,000 करोड़ का 65% हमारा है, यानी कि हम लोगों ने कितना लेके रखा हुआ है? 13,000। तो 10,000 रुपए दिए और 13,000 की चीज खरीद ली, मतलब भी है प्रॉफिट ऑफ 3,000। इट्स प्रॉफिट इज नॉट रेगुलर प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। वही अपोजिट हो सकता था कि इसका लिया 10,000 में, लेकिन उस दिन उसका नेटवर्थ खाली हमारे हिस्से के लिए 8,000 का था, तो 2,000 उसके लिए क्या बन जाता? गुडविल बन जाता। कुछ समझ आ रहा है? तो हमको यह जानना है कि जिस दिन हमने लिया उस दिन का नेटवर्थ कितना है। क्यों? क्योंकि अगर वो मिल जाएगा तो हमको क्या पता चलेगा कि उस दिन हमारा कैपिटल नेचर का इतना सारा पैसा हमारे पॉकेट में आया था जिसके लिए हमने पैसे भरे थे। और अगर हमने ज्यादा कम पैसे भरे तो वो हमारा कैपिटल नेचर का है। अगर ज्यादा भरा है तो वो कैपिटल लॉस नहीं बोल सकते, इसलिए उसको गुडविल बोल देते हैं, और कम भरा है तो उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? कैपिटल रिजर्व बोल देते हैं। बराबर। सो हमको प्री पोस्ट क्यों निकालना है? व्हाई वी कैलकुलेट प्री पोस्ट? ये सब हम जो सीखा कि इसमें पूरा का पूरा हार्ट जो है होल्डिंग कंपनी का, वो खाली प्री पोस्ट का कैलकुलेशन ही है। नाउ क्वेश्चन की क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है प्री पोस्ट? यस, सो टू आइडेंटिफाई हाउ मच कैपिटल नेचर एंड हाउ मच रेवेन्यू नेचर। आप बोलोगे सर जिस दिन हम एक्विजिशन करेंगे उस दिन ही निकालो ना, आगे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आगे जाना जरूरी है। कंसोलिडेशन क्या बोलता है? हर साल करना है, याद है फर्स्ट डे बताया, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हर साल करना है। और हर साल करना है तो आगे तो बढ़ते ही जाएगा ना पीरियड, तो टाइम तो कि वापस आएगा, टाइम बढ़ता जाएगा ना। तो हमने सपोज लिया 2010 में, अब 2010 तक का प्री हो गया, उसके आगे तो सब पोस्ट होगा। हमको 2011 में भी जाना है, 12 में भी जाना है, 13 में भी जाना है, और आज 18 चल रही है, 18 में भी आना है। बराबर कि नहीं? सो इसके लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, जबकि अमालगमेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमालगमेशन जैसे अमालगमेशन कर दिया खत्म, उसके बाद वो कंपनी नहीं है, तो आगे बढ़ाने की बात कहां से आएगी? लेकिन यहां पर तो कंपनियां जिंदा हैं दोनों, यस और नो? यहां पे सब्सिडी कंपनी खत्म नहीं हुई है, सब्सिडी कंपनी एज इट इज चालू है। तो इसका मतलब हम लोगों को जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन तक का नेटवर्थ पता लगाना जरूरी है, उसको क्या बोला जाएगा? प्री एक्विजिशन नेटवर्थ। कैसे निकाली जाएगी? तो टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर प्री। नेटवर्थ मतलब क्या क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन, नेट असेट्स, प्रोग्रेसिव फंड, जो मर्जी आप बोलो, जो हम कहीं भी कई जगह निकाल चुके हैं। ओके, यस यस, वी विल कम ऑन दैट। We have 15 type problem, but सब problem में problem खाली एक ही है, ठीक है? क्या problem रहेगी? Finding of pre and post। कैसे निकाला जाएगा? तो pre means till date of acquisition, post means after the date of acquisition।
ओके अब आते हैं हम वो 15 टाइप की प्रॉब्लम पे कि वो क्या है जिसमें इसी सब पे घुमाया गया है, यानी वो 15 टाइप के प्रॉब्लम के अंदर 80% कॉमन है, 20% जो अलग अलग है वो यही चीज है। ओके सो नाउ वी मेक द हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कवर अंडर होल्डिंग कंपनी। Types of problem cover under consolidated financial statement। मैंने फ्रेंड्स 15 में समराइज कर रखा है, बट 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको तो खाली यही समझना है कि सबके सब प्रॉब्लम में खाली एक ही प्रॉब्लम है, क्या है वो? प्री एंड पोस्ट, राइट। सो सबसे पहला है फ्रेंड्स बेसिक टाइप प्रॉब्लम, जिसमें सादा सादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में आते हैं, राइट। फिर आता है व्हेन डिविडेंड इज गिवन, ये सारी प्रॉब्लम मैंने आपके नोट्स में लिख के दी हुई है, आप अभी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट लाइन से मैंने आपको लिख के दी हुई है, राइट। फिर व्हेन बोनस आर गिवन, फिर सबसिक्वेंट होल्डिंग, फिर प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो गिवन, फिर डिवेंचर ऑल्सो गिवन, देन चेन होल्डिंग, फिर क्रॉस होल्डिंग, देन डिसबर्समेंट ऑफ होल्डिंग, देन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी AS 23, केस ऑफ जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी AS 27, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। ये तो काफी सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी होता है, देन हाँ हाँ सुना भी होगा, ऐसा नहीं लेकिन सब लोगों ने नहीं, और देन ऑल टुगेदर AS 21, 23, 27 and 16 में अपनी तरफ से लगा रहा हूं एनी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, हाँ किसी को ना भी दिख रहा हो तो। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ओके सो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर कंसोलिडेशन कैश फ्लो ऑल टूगेदर AS 21, 23, 27 एंड एनी अदर। नाउ फ्रेंड्स एक बार सारे का सारे 15, 16 एक बार ऐसे ही रीड करते हैं, ओके? क्यों? क्योंकि सबके अंदर खाली एक ही प्रॉब्लम है, प्री एंड पोस्ट, बाकी का सब कॉमन है। मैं आपको 80% बोलता हूं, यहां तो 90% कॉमन आने वाला है, ठीक है? केवल 10% उसको अलग बनाएगा, वो भी खाली प्री पोस्ट में, ओके? क्या क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? सबसे पहला बेसिक टाइप प्रॉब्लम, दूसरा डिविडेंड इज गिवन, थर्ड बोनस इज गिवन, थर्ड सब्सिक्वेंट होल्डिंग, नेक्स्ट फाइव प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो गिवन, डिवेंचर ऑल्सो गिवन, ऑल्सो क्योंकि इक्विटी नहीं होगा उसमें तो काम हो ही नहीं सकता ना, इक्विटी तो बेस है,
उसके अलावा ये और दे दिया। फिर चेन होल्डिंग, देन क्रॉस होल्डिंग, डिस्बर्समेंट ऑफ होल्डिंग, एसोसिएट कंपनी ES23, जॉइंटली एंटिटी ES27, कंसोलिडेटेड PNL अकाउंट, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, ऑल टुगेदर एंड एनी अदर। ओके, सो इतने टाइप के प्रॉब्लम में दे डिस्कस 90% केस में प्री पोस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम किसी एक को बेस बना के चलेंगे और उसके बेस पर हम जानेंगे कि ऑल टाइप में कौन सी 80% चीज रिपीट होने वाली है या सेम है या कॉमन है। ओके, सो मेक द हेडिंग बेसिक टाइप प्रॉब्लम। शुड आई रिमूव इट? ऑल दिस इज इन योर नोट्स ऑल्सो, जो मैंने दिया हुआ है, और वो होमवर्क में आपको मैं लिखवाऊंगा कि आपको दोबारा क्या क्या लिखने का है। फेयर नोटबुक में, ये हमारी क्लास नोटबुक चालू है, राइट? बेसिक टाइप प्रॉब्लम। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सीखा था क्या करना है, सिंपल दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करना है। अब दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करने का एक तरीका है जो आपने शायद 11th क्लास से सीखा होगा, मैंने 11th से सीखा है इसके लिए, कि एक रूल है कॉमन, जब भी कोई अकाउंटिंग वर्क करना हो, चाहे वो आप फाइनल अकाउंट बनाओ या कुछ भी काम करो, एक कॉमन रूल है कि बैलेंस शीट शुड हैव वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट। सबने बोला, मतलब सबको पता है पहले से, बराबर? यू आर नॉट ब्लैंक, राइट? जीरो से चालू नहीं कर रहे हैं, हमको आता है पहले से, बराबर ना? तो बैलेंस शीट शुड हैव वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट। इसको पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलना है, चाहे तुम प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे हो, FR में काम कर रहे हो, या किसी भी अकाउंटिंग वर्क को कर रहे हो। और ये चीज नई नहीं है, हम लोगों ने 11th क्लास से सीखी हुई है। अब फ्रेंड्स, इस रूल को साथ में रखते हुए हम सीखते हैं कि सम को कैसे सॉल्व करना है। तो वो 80% पार्ट है, दैट इज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम हेडिंग बनाएंगे एक, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको दिख जाए कि कंसोलिडेशन आ गया, जो कि है, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना कि कंसोलिडेशन नहीं होगा, होगा बा 100% होने वाला है, 99 में नहीं बोलेंगे। तो जैसे ही आपको दिख जाए कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं आपको वो भी प्लानिंग बताऊंगा कि हम कैसे फर्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन 30 मिनट में नहीं, 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 20+15, बेसिकली 20 मिनट इज वॉट योर एक्चुअल इफेक्टिव टाइम एंड 15 मिनट वॉट जो रीडिंग टाइम मिलता है। लोग उसको वेस्टेज कर देते हैं फ्रेंड्स, आई विल गिव यू आइडिया कैसे यूज करना है, वो आपको मैं जब टेस्ट लिखवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 15 मिनट की टेक्निक यूज करके नेक्स्ट 20 मिनट में अपने सम को आपकी नोटबुक में रेडी करके रेडी कर लेना है। यानी कि पहला सम जिसको मोस्टली लोग लास्ट टाइम छोड़ के जाते हैं, वो पहला सम आप करोगे और विद इन 20 मिनट आपके आंसर के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने हेडिंग बनवाया है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी एग्जाम में कैसा भी टाइप का प्रॉब्लम आए, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस स्टेप्स। अब फ्रेंड्स, ये हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मैंने बताया ना, स्पेशल होता है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर हार्ट हमारा मेन है, वैसे उस चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ हार्ट होता है। तो वो हार्ट क्या है, तो वो यहां पर है प्री एंड पोस्ट। हमको पूरे समय यही दिमाग लगाना है कि प्री है कि पोस्ट है। तो मैंने पहला स्टेप ये बनाया है कि स्टेप नंबर वन, मैं यहां से लिखूंगा तो देखिएगा, ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं, स्टेप नंबर वन इज नोन एज एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। क्या नाम है? एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड।
एस मतलब सब्सिडी, मैंने अभी बताया आपको कि हम पहला बेसिक टाइप प्रॉब्लम ले रहे हैं, क्योंकि बाकी का सब कॉमन है, लेकिन उसके लिए एक को बेस बनाना तो जरूरी है। तो हमने बेसिक टाइप प्रॉब्लम ले लिया, अब इसके अंदर आपको सोचना है कि हम पहले एस का नेटवर्थ एनालाइज करेंगे। लेकिन एनालाइज क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एनालाइज खाली ये करना है कि इस नेटवर्थ में प्री कितना है, पोस्ट कितना है। प्री कितना है बोलो? टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, बिफोर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि सीए में शार्पनेस की बहुत जरूरत है, आप ऐसे जनरल आंसर दोगे तो नहीं चलता है, राइट? तो टिल डेट ऑफ एक्विजिशन इज प्री, पोस्ट क्या है? आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन, टिल व्हाट? टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सो टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑल आर पोस्ट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ मीन्स आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आगे आने वाला है टिल डेट ऑफ एक्विजिशन कंसोलिडेशन ऑल आर पोस्ट। तो हमको सबसे पहले दो डेट ऊपर लिख लेनी है, एक तो चार्ट बना देना है जिसके अंदर हम लिख देंगे कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड में कितना होल्ड कर रहा है, सपोज 80% कर रहा है, ठीक है? फिर डेट ऑफ एक्विजिशन लिख देनी है, जो भी एक्स एक्स रहेगा। फिर डेट ऑफ कंसोलिडेशन लिख देनी है, जो भी एक्स एक्स रहेगा, जस्ट फॉर अवर रेफरेंस, अवर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमको पता है डेट ऑफ एक्विजिशन तक सारा प्री होने वाला है, उसके बाद सब पोस्ट होने वाला है, टिल व्हाट? टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन, राइट? तो हम स्टार्टिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख देंगे, एच लिमिटेड एस में कितना होल्ड कर रहा है, हमने अज्यूम किया 80%। फिर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फिर डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, लिख दिया। अब चार्ट फॉर्म में बनाना चालू करेंगे, ये देखिए कैसे बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, टू पार्ट, प्री पोस्ट। अब यहां पे नेटवर्थ के लिए हम यूज कौन सा करेंगे, शेयर होल्डर फंड वाला मेथड, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेंस एंड प्लस माइनस एनी रिवेल्युएशन प्रॉफिट और लॉस, राइट ना? याद करो, जब भी कोई चेंज होता है रेवोल्यूशन करना पड़ता है, सीखा होगा ना? रेवोल्यूशन ऐसे नहीं करते घर बैठे बैठे करते रहेंगे, भाई आज कितना हो गया हमारी असेट्स की वैल्यू, कल कितनी हो गई। कब किया जाता है रेवोल्यूशन? व्हेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द बिजनेस, चाहे आप 11th क्लास से याद करो, पार्टनरशिप करते थे अपन लोग, पार्टनरशिप एंटर किया, पार्टनर रिटायर हुआ, डेथ हुई, क्या हुआ, इमीडिएटली रेवोल्यूशन करते थे ना, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट जो रेवोल्यूशन का हो रहा है वो हमारा आज तक की वजह से कमाया है, और अगर नया पार्टनर एंटर हो गया उसको क्यों देंगे वो प्रॉफिट? वो कब से एंटाइटल होगा प्रॉफिट के लिए? फ्रॉम द डेट ऑफ ही ज्वाइन टिल दैट, वो प्रॉफिट के लिए एंटाइटल नहीं है। तो रेवोल्यूशन करना जरूरी है क्योंकि चेंज हुआ है बिजनेस में, तो इसके लिए एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ रेवोल्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड नेटवर्थ, बिकॉज मालिक लोगों का है वो, वहां पे पार्टनर होते थे तो पार्टनर का होता था, यहां पर शेयर होल्डर है तो वो शेयर होल्डर का होगा। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, कनेक्टिविटी याद है ना? देखो प्लानिंग जो सीखी है वो प्लानिंग को यूज करना है और एंड तक यूज करेंगे। अभी हमारा वो 80% पार्ट चल रहा है, बाद में वो 80% का नोट्स बनाने वाले हैं अपन लोग, वो नोट्स पढ़वाने वाला हूं मैं आप लोगों से, तो आपको समझ में आएगा कि वो तीनों के तीनों पार्ट हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं एकदम लाइन से, बरोबर। और ये चीज एक सम के लिए नहीं हो रही है, याद रखना ऑल 15 टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक में एक्स्ट्रा आएगा 20%, वो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन 80% शुड बी सेम, यू शुड फील लाइक यू आर डूइंग सेम सम फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके, परफेक्ट। सो एनालाइज ऑफ नेटवर्थ में हमने लिखा प्री पोस्ट, इसके अंदर ए आप पर्टिकुलर जैसा कॉलम बना सकते हो जस्ट फॉर रेफरेंस, लाइन में खींचने की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है जिससे थोड़ा समझ आए उसको, भाई प्री पोस्ट का कैलकुलेशन किया जा रहा है। इसके अंदर सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, बताइए प्री होगा कि पोस्ट होगा? वेरी गुड फ्रेंड्स, कैपिटल उसका नाम ही है, और प्री का नेचर कैपिटल नेचर का होता है ना, यस और नो? तो कैपिटल ही होगी,
तो ऑलवेज प्री, तो हम यहां पर एक्स एक्स बनाएंगे, यहां डैश लगाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये कभी भी पोस्ट में नहीं आ सकता है। सो शेयर कैपिटल एच प्री ऑलवेज, और अपन ने प्री साइड लिख दिया है, तो मतलब क्या हो गया कि अभी वो इधर डैश लग जाएगा। ओके अब यहां पे रिजर्व और सरप्लस को अलग अलग कर दिया जाता है, तो रिजर्व्स, वेरी गुड, दोनों हो सकता है, पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी कमाए सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग प्री में मानेंगे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो, लेकिन पोस्ट भी हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे, प्री कुछ नहीं बोला है तो, और पोस्ट बोला है तो हो सकता है। याद हो मैं आपको लास्ट क्लिप जब भेजा था, हाँ, टिप नंबर 5 किसी ने सुना हो, कंफ्यूजन जो होता है, कॉन्ट्रोवर्सी जहां पे आती है वहां डिसीजन इमीडिएटली ले लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पीएम मॉड्यूल में इस रिजर्व को वो पोस्ट भी मान ले, यूनिवर्सल रूल नहीं दिया है कोई, ये हमको दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम में प्री पोस्ट का जब तक नक्की नहीं कर पाएंगे हम अटक जाएंगे सब में, और वो भी थोड़े लेवल के नहीं अटकेंगे, पूरे आंसर ही चेंज हो जाएंगे। क्योंकि सोचो अगर यहां पर ये इधर से इधर आ जाए तो ये प्री वाला जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसकी जगह रेवेन्यू प्रॉफिट में आ गया, तो गुडविल कैपिटल का पूरा कैलकुलेशन उधर उधर हो जाएगा। बट वी कांट स्टॉप, हम उनके कंफ्यूजन के लिए अपन क्यों कंफ्यूज हो, हमको तो अपना डिसीजन देना है, और अपना डिसीजन क्या है कि हमने कुछ नहीं बोलेगा तो प्री मानना है। मैं आपको नोट में लिखवाया भी है, आपको अलग से लिखा हुआ है उधर लिखवाया है मैंने, बट अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिजर्व नॉर्मली प्री होता है, लेकिन पोस्ट होगा बोलेगा क्वेश्चन में तो पोस्ट मानेंगे, लेकिन नहीं बोलेगा तो प्री मानेंगे और नोट भी लगाएंगे, खुला नहीं छोड़ना है। वी मेंशन कि भाई हमने ऐसा माना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेंशन करने के बाद में उसकी हिम्मत नहीं है कि हमको मार्क्स काट के दे, क्योंकि भाई गलती उसने की है, उसने क्लियरिटी नहीं दी, हम तो रेडी थे क्लियरिटी जानने के लिए, लेकिन तुम बताओ तो सही, आप नहीं बताओगे तो हम कहां से पता लगाएंगे। बराबर। सो हम लोग रिजर्व को कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, बोलेगा तो पोस्ट, इसलिए हमने यहां पे एक्स एक्स बनाया, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया, या इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई। देन आता है प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स इसके बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा ना तो इसको पोस्ट मानने का, लेकिन प्री भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो कैन यू एक्सप्लेन। प्री, वाओ वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन विल डन ओनली व्हेन देयर एनी चेंज इन द बिजनेस। रिवैल्यूएशन अपन जब कुछ चेंजमेंट करेंगे तो ही होता है, वैसे घर बैठे बैठे नहीं करते रहते अपन लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को रिवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ही मानना पड़ेगा, और अगर टिल डेट ऑफ एक्विजिशन होता है तो उसको क्या मानते हैं, सीखा है ना, देखो भूलना नहीं है, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया ना, पहले आपको दिमाग लगाना है प्री का मतलब क्या है, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, वो बिल्कुल माइंड में जाना नहीं चाहिए। तो रिवैल्यूएशन इज टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ओनली, तो इसका मतलब उसको क्या माना जाएगा, प्री माना जाएगा, तो उसको हमेशा प्री लिखेंगे, लेकिन दोनों लिख देंगे प्लस और माइनस, नेगेटिव होगा तो लेस, पॉजिटिव होगा तो एड, बरोबर ना, यानी अपवर्ड रिवॉल्यूशन हुआ तो ऐड कर देंगे फायदा हो गया, डाउनवर्ड हुआ तो लेस कर देंगे, ये तो कॉमन सेंस, हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट हजारों बार बनाया है, राइट। और यहां पर डैश, अब रिवॉल्यूशन किया गया तो यस 10 आपने सीखा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हाँ कनेक्टिविटी थोड़ी सी, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है उसके लिए रिवॉल्यूशन का डेप्रिसिएशन रिवॉल्यूशन चार्ज करना चाहिए, बरोबर कि नहीं, तो अपन को डेप्रिसिएशन को भी इधर ही लेने का है, लेकिन इस डेप्रिसिएशन को कब लगाएंगे, फ्यूचर में लगाएंगे, आज तो असेस परचेज किया ऐसा मानना है, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, फॉर फ्यूचर, तो इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन प्री है लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन पोस्ट। बट रिमेंबर मैंने बर्ड जो बोला वो ध्यान से सुनना, क्या डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, आप डेप्रिसिएशन बाकी के असेस पे लगाने मत लग जाना, क्योंकि वो उन्होंने पहले लगा के रखा है बराबर से, एस 10 अप्लाई करके रखा हुआ है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको खाली कितना दिमाग लगाना है कि आज हमने जो रिवैल्यूएशन किया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना है। ओके फ्रेंड्स, सो
डेप्रिशिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट्स, ऐसा आप लिखना, डेप्रिशिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, यहां पे डैश लगा देना, और दोनों तरीके हो सकते हैं। यहां पर अगर अपवर्ड हुआ है तो डेप्रिशिएशन यहां पे लेस होगा, यहां पे अगर लेस हुआ है तो डेप्रिशिएशन यहां पर ऐड होगा। ये भी सिखाना पड़ेगा, पक्का ना? देखो उन्होंने पूछा भी था क्वेश्चन, लेकिन माइंड में क्लियर हो गया। ये चीज आपकी 11th क्लास की है, यहां की नहीं है ये। आप कंसल्टेशन के साथ लिंक मत करना इसको। रिवैल्यूएशन जब बात आई तो आप लोगों ने रिवैल्यूएशन 11th में भी सीखा है, जहां पार्टनरशिप आया है वहां पे आपने रिवैल्यूएशन सीखा है, और एस 10 में भी आपने सीखा हुआ है। कोई बोले सर एस 10 भी नहीं आता है, डोंट वरी, लेकिन बेसिक डेप्थन तो कभी ना कभी सीखा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता सीएफएल में आगे आपने कभी डेप्थन की बात नहीं की है, बराबर है? तो डेप्थन अगर हमारे अपवर्ड रिवॉल्यूशन हुआ है तो डेप्थन लेस किया जाएगा, क्योंकि डेप्थन लगेगा, और अगर रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड हुआ है तो डेप्थन की सेविंग होगी, तो वी विल राइट सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, वेरी गुड। नाउ अगर अलग से लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंस, तो नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट सपोज अलग से लिख के दिया है उसने मिसलेनियस एक्सपेंस, तो कुछ नहीं बोलेगा तो उसे प्री मानेंगे, और अगर बोलेगा तो पोस्ट भी हो सकता है। ओके, सो बी हेड, एनालाइज ऑल नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। हर एक आइटम को एनालाइज किया हमने जो नेटवर्थ में यूज होते हैं, और नेटवर्थ में कौन कौन से आइटम यूज होते हैं ये हमने शुरू से सीखा हुआ है, ये कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है। हमको खाली नई चीज इतनी है कि इसको प्री मानना है कि पोस्ट मानना है, और उसके लिए क्या रूल है, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर प्री, एंड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर पोस्ट, बराबर है? लेकिन फिर भी एक बार नेटवर्क का आइटम मैं वापस रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल क्या मानना है, ऑलवेज प्री। रिजर्व क्या मानना है, कुछ नहीं बोलेगा तो प्री, अदरवाइज पोस्ट भी हो सकता है। पीएनएल कुछ नहीं बोलेगा तो पोस्ट, बट प्री भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑलवेज प्री। डेप्रिशिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑलवेज पोस्ट, एंड मिसलेनियस एक्सपेंस क्वेश्चन इज साइलेंट देन प्री अदरवाइज पोस्ट। बस हो गया नेटवर्थ, टोटल लगा देंगे। अब टोटल हमने दो हिस्सों में लगाए, लेकिन नेटवर्थ तो वही है यार, चाहे प्री में बांटो चाहे पोस्ट में बांटो, तो टोटल लगा दो जरा। ये टोटल लग गया, बरोबर। अब टोटल लगने के बाद फ्रेंड्स, मैंने बोला मैं सिक्योरिटी वाला गेम खेलता हूं, गेमलिंग पसंद है लेकिन हमेशा जीतने वाला, क्योंकि हारना मैं जानता ही नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं, बराबर कि नहीं? सो हमको अब यह जानना है कि कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी प्री पोस्ट के चक्कर में, हमको बहुत घुमाने वाला है वो, और 15 टाइप के प्रॉब्लम में आपको इधर उधर सब गड़बड़ करवाएगा, तो आपको ये समझना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन टोटल शुड बी द सेम। सो हम एक क्रॉस चेक करेंगे कहीं पे भी वर्किंग नोट बना के, कि क्रॉस चेक किया जाए इसको, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन का नेट, ये सब मिलके ये टोटल होना चाहिए। यस और नो? और वो भी एक सेकंड लगेगा कैलकुलेट करने में, कैलकुलेटर में नहीं करना है, कई लोग कैलकुलेटर में कर लेते हैं। नो हम यहां पे लिखेंगे बाजू में छोटा सा, वर्किंग नोट क्रॉस चेक ऑफ नेटवर्थ, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस विदाउट प्री पोस्ट, मिशन एक्सपेंस, एनी रिवॉल्यूशन का नेट। रिवॉल्यूशन का नेट कैसे निकालोगे, इन सब का नेट, और इमीडिएटली चेक करोगे ये टोटल, ये टोटल मस्ट बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस, सॉरी वाई ऑल, देखो मैंने ये लिया है क्रॉस, क्यों नहीं लेंगे, ये पूरा रिवॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, ये पूरा रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि अगर रिवॉल्यूशन नहीं होता तो डेप्शन क्यों होता, अगर रिवॉल्यूशन नहीं होता तो डेप्शन क्यों होता, तो इसके लिए आपको कंसोलिडेशन दिमाग नहीं लगाना है कि ये कंसोलिडेशन हो गया,
नो, ये तो बेसिक अकाउंटिंग है फ्रेंड्स, कि हमने प्री पोस्ट में बांटा है, लेकिन ओवरऑल अमाउंट तो सेम ही है, चाहे प्री मानो चाहे पोस्ट मानो, टोटल चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहां पे टोटल लगाएंगे, वो टोटल ही यहां पे आना चाहिए। इधर टोटल लगा के बेटा, जगह बहुत कम पड़ने वाली है, अभी देखो आपको समझ आएगा ना, 5 पेज भरेंगे तुम्हारे, और 5 पेज भी हमको 30 मिनट में भरने हैं। तो इसके लिए आपको ये सब साइड में नहीं लिखना है, ये सब अपनी प्रेफरेंस के लिए है, कि हम चाहते हैं कि एग्जाम में कहीं जल्दी जल्दी में हमने 2+2 5 ना कर दिया हो बस, और कहीं अपन ने ऐसा ना हो कि प्री पोस्ट के चक्कर में टोटल अमाउंट को गड़बड़ कर दिया हो, क्योंकि टोटल शुड नॉट बी चेंज। तो आप लिख सकते हो बाजू में यहां पर ही वर्किंग नोट क्रॉस चेक, या आप अलग पेज पेपर क्रॉस क्रॉस चेक कर लो, जिसके अंदर सारा टोटल नेटवर्थ इकट्ठा लगा दो, और आप चेक कर लो कि अमाउंट सर सेम आना चाहिए जो यहां पे आ रहा है। ओके चलो, यहां तक कोई डाउट फ्रेंड्स? क्योंकि यहां तक हमने कुछ नया सीखा ही नहीं है, खाली प्री पोस्ट को छोड़ के, बाकी ये सब तो पता था, नेटवर्थ ये होता है ऐसा होता है, सब कुछ लिख लिया है। अब यहां से मैजिक चालू होने वाला है, ठीक है? ध्यान से देखना फ्रेंड्स। हाँ ऑब्वियस, ये जो है टोटल मिलके ये इस टोटल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टोटल बराबर नहीं होगा तो गड़बड़ हो गई ना। ओवरऑल परफेक्ट, वी हैड डिस्ट्रीब्यूट ओनली इन प्री पोस्ट, हम लोगों ने चेंज नहीं किया है कुछ भी, खाली प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ओवरऑल शुड बी सेम दिस ओवरऑल। ओके नाउ नाउ फ्रेंड्स, वी विल बाइफिकेट दिस टोटल इन टू पार्ट, होल्डिंग एंड बचा हुआ माइनॉरिटी, हमारा नहीं है वो, बराबर। सपोज यहां पर 80% हमारा है, तो बचा हुआ 20% माइनॉरिटी का हो गया, बराबर ना। नाउ होल्डिंग भी डिवाइड इंटू टू पार्ट, क्योंकि हमारी होल्डिंग से हमको मतलब है प्री पोस्ट, माइनॉरिटी तो कुछ भी हो हमको क्या फर्क पड़ता है, यस और नो? क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन नाम ही देख रहे हैं, माइनॉरिटी मतलब हम होल्डर हैं, तो कोई दूसरा माइनॉरिटी है बेचारा, हमारे पास 65% होल्डिंग है बॉस के पास, एप्पल वाले के पास, तो 35% किसी ना किसी के पास तो होगी, दैट इज बी कॉल्ड माइनॉरिटी, बराबर परफेक्ट। नाउ होल्डिंग 80% हो गया, तो भी डिवाइड इट इन टू पार्ट, कि होल्डिंग प्री कितना है, होल्डिंग पोस्ट कितना है। नाउ हाउ टू बाइफिकेट इन प्री पोस्ट, तो अब हमको पता है कि 80% अगर हम टोटल प्री का लगा दें, कि हमारी होल्डिंग तो 80% ही है ना, ध्यान से देखना इस बात को, अभी कॉपी मत करो, अगर हम 80% टोटल प्री का लगाएं तो हमारा 80% प्री हो जाएगा, ऐसे ही अगर हम पोस्ट 80% टोटल पोस्ट का लगाएं तो टोटल हमारी होल्डिंग पोस्ट में आ जाएगी, और हमने टोटल का 80% लेके रखा है, तो ऑब्वियस अगर हम इंडिविजुअल 80-80% ले लें प्री पोस्ट का, तो आंसर शुड बी सेम। तो अगेन क्रॉस चेक किया जा सकता है कि टोटल का 80% इतना है, तो इंडिविजुअल प्री का टोटल और इंडिविजुअल पोस्ट का टोटल का 80% भी सेम ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स होल्डिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चा वहां मिस्टेक करता है, उसको रिलाइज ही नहीं होता है, बाद में जब बैलेंस शीट बनाकर रेडी करता है तब समझ में आता है वो शिट क्यों टैली नहीं हो रही है। अरे वो आपको जब पता चलेगा, जब आप हर एक स्टेप पे उसको चेक कर पाओगे, आपको पता तो हो कि आप जा रहे हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी आपने, और गड़बड़ आपको एंड में पता चलेगा तो मिस्टेक रेक्टिफाई करने का ऑप्शन नहीं होगा, यू हैव ओनली 3 आवर्स। तो हमने 80% ऑफ टोटल को बाइफिकेट किया है, लेकिन इसकी अमाउंट जो ली है वो पोस्ट प्री का 80%, टोटल का प्री का 80%, और पोस्ट का 80%, टोटल पोस्ट का 80%। क्योंकि इन दोनों का टोटल टोटल के बराबर होता है, तो ऑब्वियस इंडिविजुअल का 80-80% लेंगे तो भी टोटल के बराबर ही होगा, और हमारा पर्पज था कि हमको प्री अलग करना था, पोस्ट अलग करना था, क्योंकि इसमें प्री पोस्ट का ही चक्कर है। नाउ नाउ पोस्ट बी डिवाइडेड टू पार्ट, दैट इज रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन सी फ्रेंड्स, हाँ कॉपी बाद में करना, 80% ऑफ ये देखो एरा रिजर्व पोस्ट वाला, क्योंकि हम पोस्ट को फर्दर बाइफिकेट कर रहे हैं, तो 80% ऑफ दिस रिजर्व शुड बी हियर। नाउ 80% ऑफ
दिस प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ऑल दिस, क्योंकि ये कहां एडजस्ट होगा, डेप्रिसिएशन ऑन रिवेल्युएशन, एनी मिसलेनियस एक्सपेंस, कहां पे एडजस्ट करेंगे, पीएल में, ऑब्वियस बात है कि नहीं, इसका होल्डिंग से कनेक्शन नहीं है। अगर बता देता हूं मैं आपको, होल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है वो पता होना चाहिए, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम अगर है तो पहले 11th क्लास का अकाउंट करो, फैक्ट है। हो सकता है बुरा भी लगे आप लोगों को, लेकिन फैक्ट है। जब तक आपको, जब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि ये चीज तो हमारी बेसिक है, हम होल्डिंग के साथ इसको मिक्स क्यों करें, क्योंकि होल्डिंग तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, होल्डिंग में हमको प्री पोस्ट में दिमाग लगाना है। लेकिन एक बार कैलकुलेशन कर दिया तो अब ये 80% हम ओवरऑल का ले रहे हैं, टोटल पोस्ट का, तो इंडिविजुअल का 80% लेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो हमने रिजर्व के अंदर 80% ऑफ पोस्ट ले लिया अगर है तो, फिर पीएनएल के अंदर हमने पीएनएल के साथ में ये जो डेप्रिसिएशन और एनी मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह वो भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो उन दोनों का एडजस्ट करके नेट फिगर का 80% ले लिया। अगेन दिस टोटल मस्ट बी 80% ऑफ टोटल पोस्ट बराबर हो गया। स्टेप वन रेडी, बना दीजिए, कॉपी कर दीजिए फास्ट, सब चीज में रिपीट होने वाला है। इट इज नॉट अ सिंगल सम, वी आर डूइंग ऑल 45 सम टुगेदर। यू कैन मेक सच लाइन ऑल्सो इन एग्जाम ऑल्सो फ्रॉम द सेम पेन। डन फ्रेंड्स, तो एक बार ए स्टेप वन को रिपीट करेंगे, बट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। नेटवर्थ मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस एंड प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। इसके अंदर सबको एनालाइज किया इंडिविजुअली, शेयर कैपिटल को हमेशा क्या मानना है, ऑलवेज प्री मानना है, रिजर्व को प्री पोस्ट कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन साइलेंट तो प्री मानना है, बट जैसा मानेंगे वी हैव टू मेक नोट फॉर दैट, राइट। देन प्रॉफिट एंड लॉस क्या मानेंगे, पोस्ट, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो, अदर बोला है तो प्री पोस्ट कुछ भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज प्री, राइट। देन मिसलेनियस एक्सपेंस प्री और पोस्ट कुछ भी हो, नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑलवेज पोस्ट। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस क्वेश्चन साइलेंट है तो प्री, अदरवाइज पोस्ट भी हो सकता है, ठीक। फिर टोटल लगा देंगे, टोटल को क्रॉस चेक करेंगे, टोटल मस्ट बी सेम, बराबर। सो टोटल को क्रॉस चेक किया, आगे बढ़े, होल्डिंग बचा हुआ माइनॉरिटी, होल्डिंग हमारा 80% है तो 80% हमारा लिख देंगे टोटल का। फिर होल्डिंग से मतलब है प्री पोस्ट से, माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। माइनॉरिटी कैसा है, जस्ट दिया हुआ है वो तो अपन रखेंगे सेपरेट, भाई हमारा नहीं है वो, किसी और का है। होल्डिंग का दो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्री पोस्ट, 80% ऑफ टोटल प्री, 80% ऑफ टोटल पोस्ट, मस्ट बी टोटल 80%, बराबर। देन पोस्ट को फर्दर किया जाएगा, रिजर्व का 80% एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 80%। प्रॉफिट लॉस का 80% लेते टाइम पर हमको बाकी के लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट लॉस के ही पार्ट हैं, रिजर्व के साथ एडजस्ट नहीं करना। ओके, नाउ आफ्टर एनालाइजिंग दिस, आप समझ लो बी आर राजा, अब हमारा 50% काम हो चुका है, अब हमको
मार्क्स बटोरने हैं फटाफट, ठीक है। सो नाउ मेक द हेडिंग स्टेप नंबर टू, जिसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ नंबर ए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमने जो पैसे लिए या जो पैसा अपने भरा वो कंट्रोल करने के लिए भरा है, तो कितना भरा मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व। सो इट इज नथिंग बट क्या है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब कैसे निकालेंगे तो फ्रेंड जैसा हम अमालगमेशन में करते हैं, जो हमने पैसा दिया उसके बदले क्या प्री मिला, कौन सा प्री मिला, क्यों, क्योंकि प्री वाला ही कैपिटल नेचर का है, उसके बाद वाला तो हमारा रेगुलर नेचर का हो गया। सो हाउ टू कैलकुलेट, सिंपल छोटा सा एक स्टेटमेंट बना देंगे जिसके अंदर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस प्री एक्विजिशन नेटवर्थ। ये प्री एक्विजिशन नेटवर्थ कहां से मिलेगा, वेरी गुड, ये देखो स्टेप वन के अंदर हमने पहले से बना के रखा हुआ है, कहा है एरा, देखो प्री राइट, तो उठा के यहां से लिख देंगे और अगर पॉजिटिव आंसर आया मतलब ज्यादा पैसा दिया है तो वो गुडविल हो जाएगा और कम दिया मतलब प्रॉफिट हो गया तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, बराबर है। सो स्टेप टू में वी कैलकुलेट्स नंबर ए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिखेंगे ना बुक्स में, बिफोर कंसोलिडेशन दे हैव टू शो द इन्वेस्टमेंट राइट, एंड देन लेस प्री एक्विजिशन नेटवर्थ, वो लेस कर देंगे तो वी गेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहां पे हमारे 4 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। नंबर बी कंसोलिडेटेड रिजर्व, ये कैसे निकालेंगे तो पहले रिजर्व ऑफ एच वो तो है ही खुद का मालिक का, बराबर है कि नहीं, तो रिजर्व ऑफ एच, फिर प्लस तो कोई है कमर का फिर प्लस पोस्ट शेयर इन एस, क्योंकि पोस्ट क्या है हमारा रेवेन्यू नेचर का है, वो हमने लेने के बाद कमाया है, दैट इज कंसीडर पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट, क्योंकि लेने के बाद में हम जो भी कमाएंगे वो हमारा रेगुलर प्रॉफिट, लेकिन जिस दिन हमने लिया उस दिन तक का जो भी नफा नुकसान है वो हमारा कैपिटल नेचर का है। तो अभी पोस्ट वाला कहां से मिलेगा, देखो ये रहा, ये पोस्ट के रिजर्व का अंदर राइट, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे स्टेप नंबर वन से मिलेगा, ठीक। ऐसे ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड पीएनएल, इसके अंदर भी सेम पीएनएल ऑफ एच प्लस पोस्ट शेयर इन एस, ये कहां से मिलेगा, ये देखो पोस्ट का पीएनएल हमारे पास अवेलेबल है, स्टेप वन में सब बना के रेडी करके रखा है अपन ने, सो वी राइट स्टेप वन, फिर डी माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन जब चेन होल्डिंग आएगा तब दो तीन माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएंगे तो उठा के लिख देंगे, राइट। अभी हम डायरेक्ट एक्स एक्स बना देते हैं, कहां से मिल गया, डायरेक्ट स्टेप वन से मिल गया है, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करनी नहीं है अलग से, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज ऑलरेडी डन, दिस कैलकुलेशन इज ऑलरेडी डन। चेन होल्डिंग के केस में वो 20% कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ना, और क्या चेंज करेंगे, नहीं तो सारा का सारा समय सेम लगेगा फिर आपको, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ब्रैकेट में स्टेप वन, ये जहां अपन ने लिख के रखा है पूरा अमाउंट वो ही लिख देंगे एज इट इज, ओके। स्टेप टू भी रेडी हो गया, यहां पर हमको अराउंड 8 मार्क्स मिल जाएंगे अभी तक आउट ऑफ 16, ओके। नाउ लास्ट 8 मार्क्स, दैट इज स्टेप नंबर 3, दैट इज आई कॉल्ड एज फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर इज नथिंग बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स, आप ग्रुप लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो। अब ये तुम्हारा फॉर्मेट है जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, उसके लिए भी आपको कंसोलिडेशन को देखने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मेट आपको पता है पहले से, बराबर। ये कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं है, फॉर्मेट आता है ना, बस वही फॉर्मेट यहां बनाना है। तो आपको भी ये नहीं सोचना है हम कंसोलिडेशन में ये भी सीखना है, कनेक्टिविटी याद है, क्योंकि क्या पूरा का पूरा सीखने जाएंगे तो कैसा लगेगा, हमको इतना सारा याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें से वो चीज ही याद रखनी है खाली प्री पोस्ट, बाकी का सब तो कैलकुलेशन हमको पता है पहले से, नेटवर्थ क्या होता है हमको पता है, बैलेंस शीट क्या होता है हमको पता है। आज जैसे छोटा सा एग्जांपल पकड़ता हूं मैं, आप लोगों को सपोज आप कभी यूएस नहीं गए हो, कभी नहीं गए हो, लेकिन लंदन आप बहुत बार गए हो। अब आपको आपके पेरेंट्स को यूएस भेजना है, सोचना खाली, तो उनको आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, सारा का सारा प्रोसेस, जैसे बेटा यहाँ से पहले एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट जाके फिर टिकट वगैरह लेना है या अपना जो भी बोर्डिंग पास है वो लेना, फिर अपना लगेज वगैरह बराबर से चेकअप करवा लेना, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अरे ये सब तो कॉमन है, आप लंदन गए थे जब भी किया था नहीं किया था आपने, अगर आप समझदार हो तो आप क्या बोलोगे, भाई यूएस में क्या एक्स्ट्रा है उतना खाली पता लगा लो, बाकी के तो लंदन में आप गए थे फ्लाइट में बैठ के गए, थोड़ी आपको रास्ता देखने का है भाई ये लंदन की साइड जा रहा है कि यूएस साइड जा रहा है, वो तो अपना पायलट करेगा अपने आप। आपको खाली इतना समझना है कि जो यूएस और लंदन में डिफरेंट है, जो आप प्रोसेस करने जाओगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा, वो खाली आपको पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। वो क्या डिफरेंस हो सकता है कि आपको बताएं कि बेटा लंदन में जाते थे तो अपन जैसे इंडिया ड्राइव होता है वैसा होता है, लेकिन यूएस में अगर ड्राइव करने जाएगा तो उल्टा ड्राइव करना है तेरे को, वहां पर राइट साइड ड्राइव होता है, हमारे यहाँ लेफ्ट साइड ड्राइव होता है, ऐसे लंदन में भी लेफ्ट साइड होता है। प्लस हो सकता है वहां पर लंदन इंग्लिश चलती है, वहां पर यूएस की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है, उसके बारे में याद रखना। वहां पे डॉलर चलता है, यहां पे पाउंड चलता है, वो थोड़ा याद रखना, और क्या है, बाकी का सब तो सेम ही है। तो फ्रेंड जैसे ये चीज आपको सिंपल लग रही है, सेम चीज यहां पर है, आपको समझना ये है कि अब हमको कंसोलिडेशन करना है तो कंसोलिडेशन में एक्स्ट्रा क्या है, जो चीज कॉमन है वो तो हमको पता है ना फ्रेंड्स पहले से, उसमें हम अपने माइंड को डिस्टर्ब, मैंने बोला आपको करना नहीं है उसको, उसको भी करना है, हम सारा सम करने वाले हैं, हम लंदन जाएंगे यूएस जाएंगे तो पूरा यूएस जाएंगे, ये नहीं जाएंगे कि एयरपोर्ट जाने की जरूरत क्या है, एयरपोर्ट तो हम पहले भी गए थे लंदन में, अभी एयरपोर्ट क्यों जाए, ये तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स। हाँ जितना आपको सुनने में मजाक लग रहा है वैसे ही फैक्ट में लोगों को कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम करते हैं, नॉट कंसोलिडेशन में, पूरे एफआर के अंदर फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि सब चीज लोगों को नहीं लगती है, वो भूल जाते हैं कि यार हमको पता है पहले से इतनी सारी चीजें, तो बराबर। तो चलो सब लोग फॉर्मेट बना के दिखाइए, हाँ बोर्ड पर कोई नहीं देखेगा, ठीक है, अपना अपना फॉर्मेट बनाइए, क्या लिखेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स ग्रुप एस लिमिटेड। इसमें वैसे दो कॉलम होते हैं फ्रेंड्स, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, मैं खाली एक ही कॉलम बना रहा हूं, दैट इज करंट ईयर, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जब बनती है बैलेंस शीट प्रैक्टिकल लाइफ में तब दो कॉलम बनते हैं, ठीक है,
पर्टिकुलर ये नोट टू अकाउंट होता है, ये अमाउंट करेंट ईयर, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर उसके अंदर ए शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर छोटू ए शेयर कैपिटल, छोटू बी रिजर्व एंड सरप्लस, फिर बी यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आता है, इसलिए फ्रेंड्स ये भी एक्स्ट्रा बनेगा। जब हम अमालगमेशन की बैलेंस शीट बनाएंगे या और किसी कंपनी के यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट जरूरी नहीं आए, हो भी सकता है उसके यहाँ पे भी सब्सिडी हो पहले से, बट नॉर्मली माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डिंग में ही आता है। फिर सी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर डिवेंचर वगैरह वगैरह आ जाएंगे सब। फिर डी करेंट लाइबिलिटीज, अब करेंट लाइबिलिटीज के अंदर यू कैन राइट लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन यू कैन मेक टोटल, ये आपका टोटल बन के रेडी हो गया। देन यू मेक द हेडिंग असेट्स, असेट्स के अंदर नंबर ए नॉन करेंट असेट्स, उसके अंदर छोटू ए फिक्स असेट्स, उसके अंदर रोमन वन टेंजिबल फिक्स असेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। फिर बी इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली नॉन करेंट ही हेडिंग है हमारी, तो उसके अंदर लिखा है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ये, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अदर देन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट आएंगे। ओके, जो अपन ने कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो खत्म हो जाएंगे। फिर बी करेंट असेट्स, उस करेंट असेट्स के अंदर डेटर्स, कैश बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख सकते हो आप, राइट, जैसा आप चाहो फॉर्मेट है वो आपके अकॉर्डिंग बना दो आप। फिर एनी बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लास्ट में टोटल, एंड टोटल मस्ट बी टैली। मैं बताऊंगा बेटा अभी, ये जो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे इसके अंदर नोट टू अकाउंट कंपलसरी बनाएंगे, वो ऐसे बनेंगे आपकी छुट्टियों में, क्यों अपन जो सोचते हैं ना, सोचने के बजाय उसको करना चालू कर दो। हर एक चीज का शॉर्टकट तरीका है, लेकिन हैबिट बना दो अपनी। अगर तुम सोचोगे मैं एग्जाम में जाके अच्छा अच्छा करेंगे, वो नहीं होने वाला है। यहां से ऐसे बनाना चालू कर दो, जैसे मैं आपको जब सम बनवाऊंगा आई विल मेक द नोट टू अकाउंट हेडिंग, और यहां पे भी मैं एक नोट टू अकाउंट हेडिंग बनवाऊंगा आपको। बन गया फ्रेंड्स फॉर्मेट, कुछ नया है, अगर आपको नया फॉर्मेट में देखने का है तो एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल सकते हो, अदरवाइज यू शुड फील कि हाँ सर हमको आता है, इसमें नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अभी तक खाली एक ही चीज हमको नई मिली है, प्री एंड पोस्ट, और वो भी एकदम सिंपल है, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर प्री एंड आफ्टर दैट ऑल आर पोस्ट। ओके, अब इसके अंदर हमको आइटम लिखने हैं कि कौन से आइटम कहां कहां आएंगे, जैसे एच और एस में कहां कहां पे किस किस का आइटम आएगा, तो अमाउंट में हम लिखेंगे, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बाद में आप लिखना। शेयर कैपिटल हमेशा एच का आएगा, कभी भी एस का नहीं, क्योंकि मालिक तो हम ही है ना, हमारी शेयर कैपिटल के अंदर किसी और की शेयर कैपिटल कैसे आ सकती है। जैसे आप सपोज यूएस गए और यूएस जाके आप पाउंड चलाने की कोशिश करो तो कैसे चलेगा, अरे पाउंड जो है वो लंदन की करेंसी है, डॉलर में यूएस गए तो डॉलर चलेगा, भले आपके पास पाउंड रखा रहे, रख के घूमो भाई उसको, यू कांट यूज, बराबर ना, तो एच का अकेला आएगा। रिजर्व सरप्लस के लिए हमने वर्क नोट बनाया हुआ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हमने वर्क नोट बनाया हुआ है,
बाकी के सब H प्लस एस, ऑल ये सब H प्लस एस। और S का भी पूरा, आप बोलोगे सर हमने तो 80% ही लिया है, पूरा कैसे ले सकते हैं? वेरी गुड, बाकी का 20% हम लोगों ने माइनॉरिटी में दिखा दिया ना, तो अपने आप सेटल हो गया वो अकाउंटिंग सिस्टम। समझो माइंड में आपने सारे एसेट्स ले लिए, अब सारे एसेट्स में से जितना एसेट्स आपने नहीं यूज करना है उतना हमने माइनॉरिटी में दिखा दिया। तो ये देखो माइनॉरिटी हेडिंग है हमारे पास, तो 20% माइनॉरिटी में लाइबिलिटी साइड आ गया, तो ऑटोमेटिक अकाउंट टैली हो गया कि नहीं? ये तो अकाउंटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, 11th क्लास वाला। एडजस्टमेंट टू है, शुड हैव टू इफेक्ट, बैलेंस शीट शुड हैव वन इफेक्ट, मतलब क्या है? एडजस्टमेंट का अभी तक कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है, इसलिए तो उसके दो इफेक्ट डालेंगे जब जाके बैलेंस शीट टैली होगी। बैलेंस शीट का इफेक्ट एक हो चुका है, इसलिए उसको खाली एक ही डालने का, अभी अपन को उसका जहां इफेक्ट डालेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नोट टू अकाउंट, ये फ्रेंड्स काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं, और एग्जामर का मूड खराब हुआ ना तो इसके वजह से आपको 2 marks ऐसे ही उड़ा देता है। ये नोट टू अकाउंट बनाने में आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखो एक फिक्स फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर आपको 3 columns बनाने हैं, नए पेज पे आपको पेज की कमी नहीं है, मेरे पास बोट है अकेला इसके लिए, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ पेज। एग्जाम में भी आप कितनी भी आंसर ले सकते हो, मैंने कॉस्टिंग में 9 answers ली हुई है, 9 supplementary एक्स्ट्रा, ठीक है? और 3 RC मिला था मेरे को, ज्यादा आर्स नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन उसके अंदर भाई, तो यू हैव नो लिमिटेशन, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ आंसर शीट। सो कैसे करना है, फर्स्ट एक नए पेज पे यू हैव टू मेक नोट टू अकाउंट, उसमें ऐसे कॉलम बनाने हैं नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट, और ऐसा एक फॉर्मेट बना के यहां पे रेफरेंस डालने के लिए रखना है, जिसमें भी छोटी सी कैलकुलेशन है मेक द नोट टू अकाउंट उसमें क्या जाएगा, यहां करेंगे हम ब्रैकेट में लिख के, उससे अच्छा यहां कर देंगे। लेकिन जिसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, खाली सादा सादा टोटल लगाना है, जैसे डेटर्स हैं सपोज, कुछ भी कमी नहीं है, तो क्या करो ब्रैकेट में लिख दो, अलाउ है, मॉड्यूल में भी लिखते हैं, पीएम में भी लिखते हैं, सजेस्टेड में भी लिखते हैं, लेकिन जहां पर कैलकुलेशन है आपको लगता है कि डेटर्स एक दूसरे का भी है, हा? वो भी अभी आने वाला है हमारा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो अब ये ऑब्वियस बात है कि अपन जब दोनों का साथ में बना रहे हैं और ए बोलता है मेरे को बी से लेना है या एच बोलता है मेरे को एस से लेना है, तो यार हम साथ में आ गए भी, तो अब काय का एक दूसरे से लेना देना, हटा दो, बराबर। सो ये कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है जिसमें लोग अलग से दिमाग लगाते हैं सर इसको हटाने का है कि नहीं हटाने का। अरे भाई आपका जब डेटर्स क्रेडिटर्स वो बोलेगा कि भाई दोनों को आपस में लेना देना बाकी था, तो इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअली दोनों का लेना देना बाकी हो सकता है ना, लेकिन अब तुम साथ में जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ऑब्वियस बात है यार एक की बैलेंस शीट में खुद को ही लेना है और खुद को ही देना है, ऐसा लगेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो अपन क्या करेंगे, जो भी कॉमन एडजस्टमेंट आएंगे, जो भी कॉमन एडजस्टमेंट आएंगे उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन याद रखना है जितना एसेट से हटाया उतना ही लाइब्रेरी से हटाएंगे, अगर एसेट से ज्यादा हटा दिया लाइब्रेरी से कम हटाया तो बैलेंस नहीं होगा, फिर आप चाहे कितना भी भगवान का हाथ जोड़ना, भगवान टैली कर देना टैली कर देना, हाँ नहीं सुनने वाले हैं वो। लेकिन अगर दोनों तरीके से एक दूसरा वाला अमाउंट उठाओगे तो इट विल बी टैली, बराबर की नहीं? अब आप बोलोगे सर ऐसे डिफरेंट होते ही क्यों है, सपोज ये मैंने टॉपिक एक्स्ट्रा ले लिया है बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ होल्डिंग, इट इज जस्ट सिंपल जनरल टॉपिक है कि सपोज वो दिखा रहा है क्रेडिटर्स में उसको देना है 10,000 और यहां डेटर्स में दिखा रहा है उसको लेना है 12,000, माने एस बोलता है सब्सिडी कंपनी कि मेरे को तेरे को 10,000 देने का है, और एच यानी होल्डिंग कंपनी बोलता है मेरे को तेरे से 12,000 रुपए लेना है। तो आप बोलोगे सर हिसाब किताब में गड़बड़ है कुछ, हाँ दोनों ने बराबर अकाउंट मेंटेन नहीं किए, लेकिन नहीं अकाउंट मेंटेन बराबर किए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है कि एक ने डेबिट किया है, पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी इसको NFT पहुंची नहीं है, तो इसको पता नहीं अभी तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 इन ट्रांजिट हो गया।
इसके लोग लोग बड़ा बड़ा डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, ये कॉमन चीज़ है, आपको पता है कि नहीं? आप जानते हो कि सपोज आपके साथ भी हो जाता होगा कई बार, सपोज आप ऑफिस में जो भी आप काम करते हैं आर्टिकल से वगैरह में, तो काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जिनमें आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हो, वो भी एक पार्ट ऑफ दिस ही है। हमने चेक डाला लेकिन क्लियर नहीं हो अभी तक, सामने वाले ने चेक इशू किया वैसे ही अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, भाई तुम्हारा अकाउंट दे दिया मैंने, लेकिन हमने अभी तक उसको बैंक में डाला, बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो हमको भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हो गया है, तो जब तक उसको कैश इन ट्रांजिट दिखा दो। बराबर, लेकिन नेट इफेक्ट आपको ऐसे ही करना है कि यहां से 10 हटाया तो यहां से भी 10 जाना चाहिए, लेकिन यहां से 12 हटाओगे तो दो और किसी नाम से लिख दो। यहां से 10,000 अगर हमने हटाया क्रेडिटर से तो असेट से भी 10,000 ही जाना चाहिए, लेकिन हम 12 का 12 हटाएंगे अगर तो 2,000 वी हैव टू शोन बाय डिफरेंट नेम लाइक अ कैश इन ट्रांजिट। बराबर, कोई नई चीज सीख रहे हो? कॉमन सेंस। ओके, एंड जो भी नोट टू अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी हम ऐसे एक फॉर्मेट बना देंगे नए पेज पे, और जगह छूट भी जाए तो भी छोड़ देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, अपना पेज छोड़िए। बराबर ना, जितने बन जाए उतने ठीक है, बाकी के आगे बढ़ जाना। सो ऐसे नोट टू अकाउंट बना देना। एंड विद दैट फ्रेंड्स, बी एट कंप्लीट होल्डिंग कंपनी 80% पार्ट। हर सम को इसी बे में उड़ाना है, यू शुड फील लाइक आप ए अभी जो सम करोगे उसके जैसे ही बाकी के सम है, वो चाहे 15 टाइप में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, खाली 20% अलग हो सकता है फ्रेंड्स, उससे ज्यादा अलग नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक मैं एकदम आराम से बराबर बे में जैसा हम एक ही सम करने वाले हैं ऐसे सिखा रहा था, लेकिन अब कोई भी पॉइंट में डिस्कस नहीं होना चाहिए, आपको दोबारा ना पूछना पड़ेगा प्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार तीनों स्टेप रिपीट कर लेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस एन लिमिटेड, जिसको प्री पोस्ट में बाइफिकेट करना है, चार्ट बनाकर रेडी करना है, डन। स्टेप नंबर टू, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड पीएनएल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस प्री एक्विजिशन नेटवर्थ। प्री एक्विजिशन नेटवर्थ कहां से मिलेगा? ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्टेप वन। ज्यादा पैसा भरा? गुडविल के भरे। क्यों भरेंगे ज्यादा हम लोग? क्योंकि भाई तेरी गुडविल अच्छी है इसलिए दिया तेरे को। कम पैसा भरा? प्रॉफिट हो गया लेकिन उसको कैपिटल नेचर का मानेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। एंड बाकी के में होल्डिंग का जो है वो तो रहेगा ही, एंड प्लस सब्सिडी का पोस्ट और ऐड करते जाएंगे, वो कहां से मिलेगा? ये हमारे पोस्ट का रिजर्व एंड हमारे पोस्ट का पीएनएल। बराबर फ्रेंड्स, नाउ ये रेडी हो गया। स्टेप थ्री, दैट इज फाइनल आंसर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाना है? जैसा हम लोग स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, शेड्यूल थ्री का नॉर्मल फॉर्मेट, उसके अंदर शेयर कैपिटल खाली एच का आएगा, रिजर्व सब प्लस माइनोट इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट होगा, और बाकी के सारे आइटम हमारे एच प्लस एस करके आ जाएंगे, सब्जेक्ट टू रिवेल्युएशन। भूलना नहीं है, रिवेल्युएशन का इफेक्ट यहां डाला है तो दूसरे इफेक्ट इधर डालना पड़ेगा, ये तो टैली कैसे होगा। बराबर, नाउ फ्रेंड्स टेल मी इफ एनी स्टूडेंट, मेरे को नॉर्मल लॉस भी नहीं चाहिए, जैसे हमारे कॉस्टिंग के अंदर नॉर्मल लॉस सिस्टम होता है, एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई भी स्टेप में डाउट है, प्लीज आस्क। इसके पीछे मैंने टेक्स्ट बुक लगाया है, स्टार्टिंग में सारे सॉल्यूशन हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे उसका भी सॉल्यूशन आपकी बुक में है, और जो नहीं करेंगे उसका भी सॉल्यूशन आपकी बुक में है, क्योंकि आपको खुद ट्राई करने को जो दिए हैं वो ट्राई करने को जब देंगे उस टाइम आपको पहले खुद ट्राई करना है, बाद में क्रॉस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन क्रॉस चेक विद द आंसर एज पर सिंगल फॉर्मेट 80% कॉमन रख के। और ये सारे सम मॉड्यूल पीएम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा ये करने के बाद आप ना कर पाओ, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर उठा लिए हैं, और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि मई 2012 से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो इस क्वेश्चन से बाहर से आया हो, सब क्वेश्चन इसके अंदर आ गए हैं। मैंने मई 2012 में क्वेश्चन बनाया था, ये बुक जो बनाया था मैंने 12 में बनाया था, जब से इसको अमेंडमेंट नहीं किया है, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो ईयर अपन को जो होंगे वो थोड़े पुराने दिखेंगे क्योंकि 12 के हिसाब से दिखेंगे, लेकिन सब में सब नए ईयर के आएंगे बट सम सेम रहेंगे। लेट मी डू क्वेश्चन नंबर वन, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार।
फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड ड्रॉ अप एट द 31 मार्च 2012 प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एच एट दैट डेट। मीन्स हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट, उसी दिन का अपन को कंसोलिडेट बना के देना है, ठीक है। रिगार्डिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन, रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट्स 80% शेयर बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2011। मीन्स फ्रेंड्स, हमको डायरेक्टली ये रिजर्व का प्री कितना है, पीनल का प्री कितना है, उसने बता दिया। ऐसा जब वो कर देना, समझ लो बहुत मेहरबानी कर रहा है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि सारी पिक्चर उसी पे चलने वाली है। वो उसने क्लियर दे दिया, मतलब बी आर राजा, हमको कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आएगी। फिर हमारे आंसर भी जो पीएम मॉड्यूल में दिए उनके साथ 100% टैली होंगे। लेकिन अगर अजम्पशन करना पड़े तो हमको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि हमारे आंसर के साथ टैली होंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि एक अजम्पशन चेंज हो जाए, आप सोचो खाली अगर यहां पर मैं रिजर्व को प्री की जगह पोस्ट मान दूं, पूरे आंसर बदल जाएंगे। लेकिन इसका नोट लगाएंगे जहां पे भी अजम्पशन होंगे, जैसे यहां पे क्लियर दिया है, नोट लाने जरूरत नहीं है। जहां क्लियर ना हो, मेक द नोट फॉर दैट, उसके लिए अलग से पेज बना लेना भले आप, चलेगा। लेकिन जहां पे अजम्पशन नहीं है, मतलब जहां क्लियर नहीं है, वहां पे हमको अजम्पशन लगा के जो मर्जी आए वो मानना है, कॉन्ट्रोवर्सी में दिमाग नहीं लगाना, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, मशीन बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 ऑफ एस लिमिटेड वर रिवैल्यूड एट 1,50,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1/4/2011 फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइज ऑफ द शेयर। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मशीन 10%, फर्नीचर 15%। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? रिवैल्युएशन। और डेप्रिसिएशन का रेट उसने लिख दिया है ब्रैकेट में। अच्छा आदमी है, अगर मैं सेट करता तो शायद ना लिखता, जस्ट बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वी कैन आइडेंटिफाई। कोई बता सकता है कैसे? यस यस, कैसे? देखो बुक वैल्यू 1 लाख है ओपनिंग में, और सब्सिडी कंपनी का बुक वैल्यू मशीन का देखो कितना है बैलेंस शीट के अंदर, 90,000। मतलब फुल ईयर में 10,000 कम हो गया। तो 10,000 ऑन 1 लाख कितना परसेंट होता है? 10%। ऐसे ही देखो फर्नीचर का बुक वैल्यू 20,000 का है, दिया हुआ है 17,000, मीन 3,000 कम हुआ। तो 3,000 ऑन 20,000 कितना परसेंट होगा? 3,000 ऑन 20,000 हाउ मेनी परसेंट? 15%। तो उसने दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं देता तो अभी हम पता लगा सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जब भी रिवॉल्यूशन आए, वी शुड टेक केयर अबाउट दिस, कि डेप्रिसिएशन का कोई रेट है कि नहीं। नहीं दिया है, क्या वे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जरूर नहीं हमेशा आइडेंटिफाई करें, लेकिन अगर पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना तो हम करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है एच लिमिटेड, और एच लिमिटेड दो कॉलम बना के दिए हैं टी फॉर्म में। आइटम के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड है 100 ईच, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स, मशीन, फर्नीचर, अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब देखो वापस से आ गया अदर नॉन करेंट एसेट्स, अरे हमारा हेडिंग ही नॉन करेंट एसेट्स है, तो अदर नॉन करेंट एसेट्स क्या हो गया? तो अभी हम मानेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ होगा, या फिर उसको फिक्स एसेट्स के अंदर ही लिख देंगे। अगेन वी कैन मेक द अजम्पशन कि अदर नॉन करेंट एसेट्स क्या है, हमको इंटीमेट करो, नहीं तो हम यहां पे एक अलग हेडिंग बना देंगे, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल और एक अदर नॉन करेंट एसेट्स। हमको क्या दिक्कत है? जैसा वो करेगा वैसा उसको आउटपुट मिल जाएगा, बराबर ना? हमारे पूर्वज बोलते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा, बराबर। तो हम भी ऐसा देगा वैसा हम उसको आउटपुट दे देंगे, वो कंफ्यूजन वाला देगा तो हम भी उसको ऐसा बना के दे देंगे कि यहां पर भाई अदर नॉन करेंट क्या है हमको नहीं पता है, तो अदर नॉन करेंट एसेट्स हेडिंग ही बना देंगे, अदर नॉन करेंट एसेट्स एक हेडिंग ही बना देंगे, ठीक है। फिर बोलता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, शेयर इन एस लिमिटेड 800, शेयर ऑफ 200 ईच। माने उसने जो शेयर खरीदे हैं वो 800 शेयर खरीदे हैं, तो अगर 1000 शेयर पे अपन 800 देखें तो 80% होता है। उसने लिख भी दिया है 80% होल्डिंग है, अगर नहीं लिखता तो हम पता लगा लेते, ठीक है। सो लेट बी स्टार्ट करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 के साथ आप लोग खुद चालू करो तो ज़्यादा मजा आएगा। पहला सम अगर खुद कर दोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पहला सम ही खुद कर रहे हैं, मतलब सिखाए नहीं अभी तक, उससे पहले आप सम कर पा रहे हो, मतलब एग्जाम में क्यों नहीं कर पाओगे। ओके, सो स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, रेगुलर सम। मैं भी यहां पे कर रहा हूं, आप भी अपना अपना करो।
ऑलवेज राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर इन टॉप, ऐसे लिखने का हमेशा, ठीक है। और चूंकि आप मेरी बुक से कर रहे हो, अभी आपको कंसोलिडेशन फाइनेंस स्टेटमेंट का सीट मिला है, ये सेकंड नंबर चैप्टर है एज पर मॉड्यूल, इसलिए इसमें पेज नंबर सेकंड नंबर से चालू हुआ है, दैट इज 45। भले आपका चैप्टर पहला ही है लेकिन पेज 45 है, जो आपको पूरी बुक मिलेगी जिसके अंदर सब चैप्टर के रहेंगे उसके अंदर आपको ये 45 नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर एग्जाम में लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन, वहाँ पेज नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे पेज नंबर भी डालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख दें क्या क्या हमारा एच लिमिटेड ने शेयर लिए हुए हैं। एच ने एस में लिया है 80%। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कुछ आइडिया है? 1/4/2011। एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? 2012। ये जरूर नहीं एक साल बाद ही हो, ये 10 साल बाद भी हो सकता है, ये कंसोलिडेशन 2018 को भी हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन तो हर साल करना है। देन स्टेप वन एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। आपको वर्ड भी सेम लगने चाहिए, हाँ फ्रेंड्स, वर्ड भी चेंज नहीं करने हैं, आपको ऐसा ही फील आना चाहिए कि हम एक सम को ही रिपीट कर रहे हैं बार बार, हर सम में ऐसा लिखना है। तो 10 बार क्या 45 टाइम टाइम हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम में क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 लाख, ऐसा चार्ट में ही बनाना है फ्रेंड्स, चार्ट प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। अमाउंट में कॉमा लगाना है, ये सब चीज़ एकदम छोटी छोटी हैं फ्रेंड्स, बच्चा मिस्टेक करता है, कॉमा नहीं लगाने से अमाउंट का टोटल रॉन्ग हो जाता है, तो सब चीज़ों पे ध्यान रखो, भले छोटी चीज़ें हैं अपन भूल गए एक्चुअली में, ये सब चीज़ हमको 11th क्लास में या हम जब स्टार्टिंग में अमाउंट बनाना सीखते थे सब सिखाया गया था, लेकिन अभी बड़े हो गए हैं ऐसा लोग समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व, रिजर्व के अंदर उसने प्री सीधा अपन को बताया हुआ है 25,000 प्री है, तो पोस्ट हम ब्रैकेट में निकाल देंगे, उसके लिए 75 का पूरा मिलके है, उसमें से 25 अगर प्री हो गया तो 50,000 हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये है प्री कितना है फ्रेंड्स, ये 15,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्टली, और पूरा मिलके 25 होता है लेस 15, तो पोस्ट बिल भी 10,000 बरोबर। ये सब स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैरा में उसने मेंशन किया हुआ है कितना प्री है, मैंने बोला ना हमको प्री बता दिया मतलब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसने क्लियर बता दिया, नहीं तो ढूंढ लेंगे उसमें क्या है, मैथमेटिक तो आती है हमको बरोबर। एंड सब लोग अपना अपना करेंगे फ्रेंड्स, हर किसी को नोटबुक यूज करना है, जो आपकी क्लास नोटबुक है वो लास्ट में मैं चेक भी करूंगा, जब आप लेक्चर खत्म करके जाओगे बाहर निकलते टाइम पर सबका चेक करूंगा, सारे सम होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। नाउ रेवोल्यूशन है कुछ, यस पॉइंट नंबर टू में रेवोल्यूशन दिया हुआ है, सो मेक द हेडिंग रेवोल्यूशन, उसके अंदर सबसे पहले मशीन का रेवोल्यूशन किया गया है, मशीनरी, मशीनरी के बारे में क्या बोला है उसने, 1 लाख का है और 150 का हो गया बराबर ना, मतलब 50,000 इज द अपवर्ड रेवोल्यूशन। प्री लिखेंगे कि पोस्ट लिखेंगे, प्री, वेरी गुड। फिर फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में बोला है उसने 20,000 का बुक वैल्यू था और ये 15,000 रह गया, मतलब 5,000 डाउनवर्ड हो गया, कोई बात नहीं ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पे डैश। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन रेवेल्युएशन, उसके अंदर मशीन के ऊपर 10% ऑन 50,000,
5000 एंड फर्नीचर में 15% ऑन 5000। और ये फॉर फुल ईयर लगाना है, कभी कभी बीच में बिटवीन द ईयर हो तो हाफ भी हो सकता है, आपको डेट याद रखना है उसके हिसाब से डिडक्शन चार्ज करना है। तो 15% फॉर 750, ये नेगेटिव है पहला वाला, और दूसरा वाला सेविंग है, तो आप लिख भी सकते हो डेप्रिसिएशन का सेविंग है, क्योंकि अगर नेगेटिव रेवोल्यूशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन का सेविंग होगा, और पॉजिटिव रेवोल्यूशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं है, ये बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है, बराबर है। चलो फिर मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है कुछ, नो मिसलेनियस एक्सपेंस, मेक द टोटल कितना हो जाएगा 1,85,000 एंड दिस इज 55,750। टोटल लगा देंगे 2,40,000, 750 है। इट शुड बी क्रॉस चेक और नॉट, इट शुड बी क्रॉस चेक, क्योंकि हमने प्री पोस्ट में बांटा है, खाली गड़बड़ टोटल में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे बाजू में या कहीं पे भी आपको जहां जगह देखे वर्किंग नोट बना दो, एक वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे बना दो, क्या लिख के, क्रॉस चेक ऑफ नेटवर्थ सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने का था 1,00,000 का, विदाउट प्री पोस्ट सोचे, हाँ समझे ना, विदाउट प्री पोस्ट सोचे इकट्ठा लगा दो 75,000। आप कहाँ से देखो, टेक्स्ट बुक में से देखो, रिजर्व सरप्लस कितने का है 75,000 का, फिर पीएनएल कितने का है 25,000 का, फिर रिवैल्यूएशन का नेट बोलो मेरे को, नेट मतलब सब कुछ मिला के नेट, ये और ये दोनों 50,000 पॉजिटिव लेस 5,000 लेस 5,000 प्लस 750 40,750। ये देखो यहां पे भी 2,40,750 ही है। बराबर, तो एक बार क्रॉस चेक हो गया, एग्जाम में कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, गलती से 2+2 5 हो जाए, क्योंकि भातो क्या है अपनी लाइफ का क्वेश्चन है ना, उधर तो अपने पास क्रॉस चेक करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, बाजू वाले का देख लें तो भी भरोसा नहीं है उसने भी बराबर किया है कि नहीं, तो अपना ही खुद का ठीक रहेगा। नाउ इट इज बाइफर्केटेड इन टू पार्ट, हमारा हिस्सा कितना है और बाजू वाले का कितना है, तो हमारा 80% है ना, यस 80%, तो माइनॉरिटी कितना हो जाएगा 20%। याद रखना परसेंटेज को सर्कल करना है, अमाउंट को सर्कल नहीं करना है, अमाउंट सब कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अमाउंट सर्कल करना चालू कर दिया मतलब समझ लो मिस्टेक होने के चांसेस बनना चालू हो गए, हमको क्रॉस चेक करने को नहीं मिलेगा फिर, राइट। सो अमाउंट 20% परसेंटेज 20% भी सर्कल, अब निकालेंगे सब 2,40,780 का 80%, 2,40,750 का 80%, ठीक। नाउ इससे कोई लेने देना नहीं है, हमारी होल्डिंग को हमको दो पार्ट में बांटना है, किसमें, प्री एंड पोस्ट, क्योंकि हमको प्री का पता लगाना था वो कैपिटल नेचर का है, पोस्ट का पता लगाना था वो रेवेन्यू नेचर का है, राइट। कैसे निकाला जाएगा,
80% ऑफ 185 1 लाख एंड दिस इज 80% ऑफ टोटल पोस्ट 40 सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर यूज करो हाँ और मैंने बोला था आपको कैलकुलेटर लाना कंपलसरी है वन एटी फाइव का एटी परसेंट 148 ठीक है आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कैसे निकाले हमने 185 का 80% निकाला है ये 44,600 कैसे निकाला है 55,750 का 80% निकाला है बरोबर कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स 1% भी आपको सोचना नहीं है क्योंकि सेम चीज हमको 45 के 45 सम के अंदर करनी है एक में भी एक बर्ड भी चेंज नहीं करने वाले खाली अमाउंट चेंज होगी बाकी का सब सेम लिखते जाएंगे ठीक नाउ पोस्ट को फर्दर बाइफिकेट किया जाएगा रिजर्व एंड पीएनएल ठीक है रिजर्व इज 80% ऑफ ये देखो एरा 50,000 तो मैं यहां पे लाइन खींचूंगा थोड़ा बड़ा लगेगा आप ब्रैकेट में लिख सकते हो राइट तो रिजर्व 50,000 का 80% 40,000 बराबर ना और पीएनएल का 80% 10,000 के साथ में ये दोनों एडजस्ट और करने हैं राइट सो 10,000 लेस 5,000 प्लस 750 कितना हो जाएगा 5750 ना 5750 का 80% एक्चुअली क्या है बेटा रिजर्व अपन बनाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज उसको छेड़खानी नहीं करने का ये जो चीजें हैं ना सब पीएल के साथ एडजस्ट करने का है ठीक है कितना आया 4,600 नो वी राइट हेयर ऑल्सो वो वहाँ पे स्टेप वन पेज पे पूरे होना चाहिए ऐसा प्लान रहता है हमारा ठीक है बट आप अपना कैलकुलेट करो यहाँ पे नहीं देखने का है यू शुड कैलकुलेट योर ओन आप यहाँ पे 10,000 लेस 5,000 एंड प्लस 750 उन दोनों का मिला के 80% तो आता है 4,600 आया कि नहीं नाउ क्रॉस चेक दिस प्लस दिस मस्ट बी 44,600 हर एक स्टेप में हमने कैलकुलेशन चेक किया है बोलिए स्टेप बन रेडी वंस स्टेप बन रेडी यू आर द राजा हाँ एनी क्वेश्चन टिल नाउ व्हाटएवर प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 ये लिया ना अपन बेटा 10,000 लेस 5,000 प्लस 750 इस सब इकट्ठा करके 5750 निकाला बराबर और ये 5750 का कितना परसेंट हिस्सा हमारा है 80% तो इसका 80% लिया तो आ गया 4,600 बराबर से थैंक यू वेरी गुड सो ऐसे दोनों आइटम हमने ऐड किए 40 और 4,600 तो दैट बिकम 44,600 ठीक है चलिए अभी स्टेप नंबर 2 पे पहुंचते हैं राइट स्टेप 1 में कोई भी डाउट क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर ही है बस वो जो 20% चेंज है ना वो भी इधर ही होने वाला है क्योंकि प्री पोस्ट में कैलकुलेशन में गड़बड़ करेगा और प्री पोस्ट का कैलकुलेशन हमने यहां पे कर डाला नाउ स्टेप नंबर 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ नंबर ए नंबर ए
क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें भी आप चाहो तो अमाउंट के दो कॉलम बना सकते हो फॉर एनी फ्यूचर कैलकुलेशन। इसके अंदर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा है हमने इतने शेयर, अमाउंट दिया हुआ है, देखो अपने मन से जमसन नहीं मानना है अपन को कुछ भी, 1,60,000 लेस प्री एक्विजिशन नेटवर्थ। ये कहाँ से मिलेगा? स्टेप वन से। कितना है देखो जरा, ये देखो 1,48,000, तो 1,48,000 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टेप नंबर वन। तो गुडविल आया कि कैपिटल आया? गुडविल आया, तो वी राइट गुडविल। ठीक है, फिर बी कंसोलिडेटेड रिजर्व, इसके अंदर पहले रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट इज 2 लैक्स प्लस पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड। ये कहां से मिलेगा? स्टेप वन से। देखो स्टेप वन में ये रहा, ये पोस्ट हिस्सा है पूरा, उसमें से रिजर्व का हिस्सा कितना है? 40,000, तो विल ऐड 40,000, तो इट्स कम्स टू 2,40,000। फिर सी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सेम वे में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1 लाख बराबर है प्लस पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड। ऑब्वियस पीएनएल का ही आएगा क्योंकि हम पीएनएल की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेशन तो पीएनएल का हिस्सा ही लिखा जाएगा। पीएनएल का पोस्ट कितना है देखो? 4,600। यह हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब डी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये खाली एक ही है, चैन होल्डिंग होगा जब अपन दिमाग ज्यादा लगाएंगे, अभी सीधा उठा के लिख देंगे 48,150 कहां से मिला? स्टेप नंबर वन से मिला। स्टेप टू ऑल्सो रेडी बरोबर, बस अभी क्या है फाइनल आंसर दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पहले फॉर्मेट बना दीजिए, मेरा फॉर्मेट तो रेडी है बराबर ना, लेकिन आपको हर बार बनाना है, आप यू कॉन्ट डू लाइक दैट। बनाइए फॉर्मेट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स ग्रुप, बराबर सब लोग करिए बराबर से,
बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अपन को ऐसे ही बनाना है, बराबर से लिख के कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लिखने में हम एक दो मिनट बचाने के चक्कर में पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ कर देते हैं। वेरी गुड, आपकी बैलेंस शीट बनके रेडी हो गई क्या? एंड टोटल भी हमको लास्ट में लगाना है एकदम, कैसे वे में लगाना है कि फुल कॉन्फिडेंस होके टोटल टैली होना चाहिए, राइट? मैक्सिमम 25-30 मिनट के अंदर सम हो जाएगा। एंड जिसको फॉर्मेट वगैरह नहीं आ रहा है वो लोग ऐसा समझना कि हमको कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम कहीं और है, बेसिक अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, बराबर उस पर वर्क करना। रेडी विद द फॉर्मेट, चलिए नाउ फिल कर दें जरा, फिल इन द ब्लैंक जैसा, राइट? सो आप लोग अपनी बैलेंस शीट के आइटम देखिए, वहाँ से सब आइटम हमको वन बाय वन भरते जाना है बैलेंस शीट में से। ये मैं एच प्लस एस को रफ कर देता हूँ एंड एक पेज पे नोट टू अकाउंट का भी बना देना फ्रेंड्स, उसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये हमारे उसका मूड खराब हुआ तो मार्क्स काटने का ऑप्शन है उसके पास, वो उसको नहीं देना है, राइट? तो नेक्स्ट पेज पे नोट टू अकाउंट लिख के जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, आप खाली लाइन खींच के छोड़ दो, आधा पेज का लाइन खींच देना, ज़्यादा बड़ा मत खींचना, ठीक है? सबसे पहले शेयर कैपिटल किसका आएगा फ्रेंड्स, एच का और एस का दोनों का कि एच अकेले का? ओनली एच, 6 लाख। रिजर्व सरप्लस का नोट टू अकाउंट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर कंसोलिडेटेड पीएनएल ये कहां से मिलेगा, देखो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टेप 2 का सी, ये रहा हमारे पास, देखो स्टेप 2 और ए सी, कंसोलिडेटेड पीएनएल 1,04,600, फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व ये कहां से मिलेगा, स्टेप नंबर 2 का बी पार्ट, 2,40,000, ओके। फिर यहाँ पर स्टेप 2 में गुडविल आया था कि कैपिटल आया था, गुडविल, तो ये तो यहाँ नहीं आएगा, राइट? तो इतना हो गया, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, इसको छोड़ते रखते हैं, बाकी का देखेंगे आगे, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में बहुत सारे आइटम आ सकते हैं ना, सो लेट बी सी लेटर। रिजर्व पीएनएल खत्म कर दिया, नाउ क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर्स जो है वो पहले से कुछ चेंज मेंज नहीं करना है, ना ही कुछ उसमें ऊपर नीचे है, कुछ एक दूसरे का लेना देना कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो डायरेक्ट टोटल लगा दो 1,50,000, ब्रैकेट में लिख दो खाली, प्लस 57,000, इट्स कम्स टू 2,07,000। लाइब्रेरी साइड का काम खत्म हो गया है, ठीक है? टोटल नहीं लगाना है लेकिन आपको भी, जब तक बैलेंस शीट के हर एक आइटम का इफेक्ट ना हो जाए, यू शुड नॉट लीव, राइट? फिर असेट साइड में फिक्स असेट्स टेंजिबल, नोट टू अकाउंट नंबर 2, टेंजिबल फिक्स असेट्स, इस टेंजिबल फिक्सेस के अंदर क्या लिखेंगे, पहले मशीनरी, मशीनरी के अंदर एच का जैसा अमाउंट है वैसे ही आ जाएगा, 3 लाख का 3 लाख,
प्लस एस का दो हिस्सों में लिखा जाएगा, पहले 90 एंड प्लस रिवैल्यूएशन, क्योंकि एस का रिवैल्यूएशन किया गया है ना। तो अभी कैसा करना है, 90,000 तो पहले से है बुक में, जो रिकॉर्ड है एज इट इज लिख दिया। अब रिवैल्यूएशन का जरा चेक करो, स्टेप वन के अंदर 50,000 का अपवर्ड था और उसके ऊपर 5,000 का डिडक्शन लगाया, यस और नो? तो इट शुड बी 45 नेट, तो 45,000 यहां पर ऐड कर देनी है और अमाउंट बाहर निकाल देनी है 1,35,000 बरोबर। फिर फिर आएगा नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर में भी पहले एच का लिख दो, एच का कितना है 1,50,000, फिर प्लस एस का, एस का एग्जिस्टिंग है 17,000 का, 17,000 बरोबर। अब इसमें रेवोल्यूशन आई थिंक इसका डाउनवर्ड हुआ है राइट, तो 5,000 लेस 750, तो लेस रिवैल्यूएशन 5,000 माइनस 750, या आप बोल सकते हो माइनस का 5,000 प्लस 750, चलेगा ना। नेट आपको 4,250 माइनस करना है, तो बाहर आ जाएगा, सॉरी नो 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 12,750 एस का, बराबर ना। तो ये फर्नीचर हो गया। अब अदर नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग अलग हेडिंग बनाना चाहते हैं कि इसी में लिखना चाहते हैं, हाँ इसी में लिख दें, अलग हेडिंग भी बना सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो इसमें ही ऐड कर दो, चलो प्लस अदर नॉन करेंट असेट्स, एच का 4,40,000 और एस का 1,50,000, इसमें एस में कुछ भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, बराबर ना। बस हो गया टोटल, तो इसका टोटल लगा दो अभी, ये टोटल टेंजिबल असेट्स का टोटल, इलेवन लैख 87,750 बराबर। और इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर ना। तो बैलेंस शीट आइटम खत्म, अब सबके टोटल लगा दो, रिजर्व का भी खत्म कर दो काम, कितना 344,600, इनके इफेक्ट डाल दो बैलेंस शीट के अंदर, नोट टू अकाउंट नंबर 1 344,600, नोट टू अकाउंट नंबर 2 टेंजिबल के लिए 11,87,750। अब एक बार खाली स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा स्टेप चेक कर लेना है कि कोई आइटम रह तो नहीं गया राइट। तो सबसे पहला ये आइटम है, इसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है, उसका हमने वर्किंग नोट बनाया अलग से, बट स्टिल तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अपन को लिखने का है 48,150, तो वो लिख दो पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48,150 ठीक। फिर स्टेप टू के अंदर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आया 12,000 का, तो वो लिख दो इंटेंजिबल असेट्स 12,000। फिर रिजर्व हमने ले लिया, पीएनएल हमने ले लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ले लिया, सब आइटम डन। अब भगवान का नाम लेना जरूर है लेकिन कॉन्फिडेंस होके, अब टोटल लगाना है, इट मस्ट बी टैली, चाहे कुछ भी हो जाए इट शुड बी टैली, देयर इज नो ऑप्शन टू नॉट टैली, क्योंकि हमने सारा आइटम इफेक्ट डाल दिया है, कोई भी आइटम छोड़ा नहीं, अभी क्यों टैली नहीं होगा, बराबर ना। तो नाउ टेक द टोटल, ये सब आइटम जो लिखे हुए हैं वो नहीं लिखना है, मैंने लिख के रखे यहां पर, यू शुड नॉट राइट, अगर है तो ही लिखना है, क्यों लिखेंगे अदरवाइज। कितना बेटा
11,99,750. टैली, वेरी गुड। टैली फ्रेंड्स, कितने लोग ऐसे हैं जिनका मेरे से पहले टैली हो गया था? प्लीज रेज योर हैंड, ऑनेस्टी, हाँ ऑनेस्टी के साथ। माय गॉड, अब फ्रेंड्स समझ के देखो आप खाली। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो मेरे से पहले, मतलब ऑब्वियस खुद ने ही सॉल्व किया होगा, यस और नो? एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा?